स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स में, जिसमें कंप्लीटली हम कॉर्पोरेट में रिलेटेड जितने भी वर्क होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों आज का जो सेशन है ये है डाउट सेशन। आप लोगों के जितने भी डाउट्स होते हैं वो तो मैं लूंगा ही, साथ में आप लोगों को जो नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं आपके कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स में उसमें क्या है उस नोट्स के अंदर, उसको नोट्स को कैसे रीड आउट करना है आपको, और साथ के साथ आपको बाद में मतलब जो आपका एस्टिमेशन पार्ट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद भी जब आप जॉब करते हैं तो आपको क्या जरूरत पड़ेगी नोट्स की, उसके बारे में कंप्लीटली हम जानेंगे आज के इस लेक्चर में। करना है खास तो चलो हमारे साथ, करना है खास तो चलो हमारे साथ, सिविल के बाद गुरु जी के साथ। दोस्तों आप लोगों ने कुछ अपने WhatsApp किए हैं डाउट्स को, तो वो डाउट्स मैं इस वीडियो के लास्ट में लूंगा। जो आपका ये सेशन खत्म हो जाएगा उसके बाद आपके कंप्लीटली डाउट्स ले जाएंगे जो भी आप लोगों ने मुझे पर्सनली WhatsApp पर शेयर किए। लेकिन उससे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन नोट्स को जानना कि इन नोट्स को कैसे रीड आउट करना है हमको और कैसे जरूरत पड़ेगी हमें एस्टिमेशन करते टाइम इन नोट्स की, और एस्टिमेशन करने के बाद जब आप जॉब पर जाएंगे तो कैसे रीड आउट करना होता है इन नोट्स को, उसके बारे में कंप्लीटली जानते हैं। तो दोस्तों यहां पीछे लिखा है वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सिविल गुरुजी, और एस्टिमेशन प्लानिंग के नोट्स हैं, तो यहां पर हम रीड आउट करना स्टार्ट करते हैं। यहां से मैं पेन निकालता हूं। सबसे पहले इन नोट्स के अंदर सबसे पहले आता है ये वाला पेज अबाउट दिस नोट्स। इस नोट्स के अंदर क्या है, इस नोट्स के अंदर है कि एक ऐसा कोड जिसमें कंप्लीट बिल्डिंग एस्टिमेशन सिखाया गया है, एस्टिमेशन साइट क्लीनिंग से लेके हैंडओवर तक, कि की हैंडओवर तक कैसे प्रोजेक्ट को अलग अलग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के स्टेजेस के बाइस गुजरना होता है वो कंप्लीटली आपको इस नोट्स में सिखाया गया है। आगे चलता हूं मैं इसमें, तो आता है व्हाट इज एस्टिमेशन। देखिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये, व्हाट इज एस्टिमेशन। ये एस्टिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या करते हैं, हम कैलकुलेशन करते हैं। किसकी कैलकुलेशन, क्वांटिटीज की कैलकुलेशन। साथ में निकालते हैं कॉस्ट ऑफ वेरियस आइटम, मतलब जो क्वांटिटीज निकली है किसकी निकली है, आइटम्स की क्वांटिटीज निकली है, उसकी कॉस्ट निकालते हैं। कॉस्ट कहां से, शेड्यूल ऑफ रेट्स से, जो कि मैंने आप लोगों को वीडियोस प्रोवाइड किए हैं शेड्यूल ऑफ रेट्स को कंप्लीटली आपको पढ़ना सिखाया कैसे शेड्यूल ऑफ रेट्स को पढ़ा जाता है। इसके बाद कनेक्शन विद द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, मतलब वो आइटम जिसकी हम क्वांटिटीज निकाल रहे हैं वो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट से क्या करें, कनेक्शन रखे, इज कॉल्ड एस्टिमेट। इसको क्या बोलते हैं, एस्टिमेट बोलते हैं, मतलब कि आप पूरी बिल्डिंग का लगने वाली लागत उसकी क्वांटिटीज पहले ही फाइंड आउट कर दो, दैट इज कॉल्ड एस्टिमेशन। एस्टिमेशन में जरूरत पड़ती है हमको किसकी, आर्किटेक्चर ड्राइंग, स्ट्रक्चर ड्राइंग, वर्किंग ड्राइंग्स की जरूरत पड़ती है, तब हम एस्टिमेट कर पाते हैं। मतलब मैं कहूं रफली एस्टिमेट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं डिटेल्ड एस्टिमेशन की, कि डिटेल में एस्टिमेशन कैसे सॉल्व आउट किया जाता है। आगे चलते हैं इसमें, यहां पर आप लोगों को बताया गया एस्टिमेशन की प्रॉपर टर्म, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मैं लेकर आ रहा हूं आप लोग। अब देखिए दोस्तों इसमें मैंने आपको कंप्लीट एक एग्जांपल बताया था कि मान लीजिए आपको ट्रिप ऑर्गेनाइज करते हैं, तो ट्रिप को मान लीजिए मनाली जा रहे हैं आप, मनाली जाने के लिए क्या क्या आइटम्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि प्री प्लान्ड आपको करना पड़ेगा। ट्रिप कहीं जाते हो तो पहले क्या निकालते हैं, बजट निकालते हैं। तो यहां आपको मनाली जाने के लिए क्या क्या आइटम लगेंगे हमने वो लिख दिया, उसकी ड्यूरेशन क्या आएगी, नंबर ऑफ आइटम क्या होंगे, और उसका बजट क्या होगा, क्योंकि बजट निकालना तो पहले जरूरी है ना, कोई भी हम ट्रिप ऑर्गेनाइज करते हैं, पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं। तो ये एक बेसिक एग्जांपल था जो आपको मैंने वीडियोस में भी बताया हुआ है एस्टिमेशन पार्ट में, और नोट्स में भी उसके बारे में जिक्र किया है यहां पर। आगे चलते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे इसके नोट्स का, तो उसके बारे में समझते हैं यहां पर कि क्या है वो। देखिए सबसे पहले यहां पर मैं देखता हूं कि एक एस्टिमेशन की, एस्टिमेशन में हम निकालते हैं क्या, आइटम्स की क्वांटिटी। अब ये आइटम्स हैं क्या, जैसे अभी मैंने बताया मनाली जाने के लिए क्या क्या आइटम लगेंगे, टैक्सी, फ्लाइट, कैब, होटल, और जहां घूमेंगे आप उसका खर्चा लगेगा, दैट इज कॉल्ड आइटम। सेम बिल्डिंग में लगने वाले आइटम, बिल्डिंग में लगने वाले आइटम कितने आइटम लगते हैं, साइट क्लीनिंग, एक्सकवेशन, सैंड फिलिंग, पीसीसी, मतलब ये एकदम मैक्सिमम है। मतलब कुछ लोग कहते हैं कि सर हमने तो सैंड फिलिंग कभी देखा ही नहीं है फुटिंग के नीचे, हाँ नहीं होता, मोस्टली बिल्डर्स होते हैं सैंड फिलिंग करते नहीं, डायरेक्टली पीसीसी दे देते हैं, लेकिन दैट इज द आइटम ऑफ द बिल्डिंग, सैंड फिलिंग। हमें तो करना है डिटेल्ड एस्टिमेशन, कि करे ना करे बिल्डर वो अलग बात है, लेकिन हमें क्या करना है, एस्टिमेशन में कम से कम करें उसको पूरा करके दिखाएं, क्योंकि क्लाइंट को बताना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि क्लाइंट को नहीं पता। क्लाइंट को कौन बताएगा, हम बताएंगे। हम कब बताएंगे, जब हमें प्रॉपरली डिटेल में जानकारी हो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की, तभी हम कंप्लीटली बता पाएंगे। तो ये जानना बेहद जरूरी है हमारे कंस्ट्रक्शन प्रोसेस मैक्सिमम, चाहे हमारे साइट पर हो या ना हो, लेकिन हमें पता हो, क्योंकि हमें बिलिंग इंजीनियर भी बनना है। बिलिंग इंजीनियर का काम क्या होता है, एडजस्टमेंट करना। एडजस्टमेंट करना भी हमें आना चाहिए। एडजस्टमेंट कब कर पाएंगे, जब हमें प्रॉपरली नॉर्म्स के अनुसार उसकी कम से कम थिकनेस पता हो कितना देते हैं, या फिर वो आइटम्स पता हो, तब हम एडजस्टमेंट कर पाएंगे। इसके बाद हम क्या जाते हैं, एसओआर। एसओआर की वीडियो आप लोगों को दिया हुआ है, मैंने एसओआर पूरा कंप्लीटली पढ़ना सिखाया कि कैसे पढ़ते हैं। एसओआर में मिलते हैं क्या हमको, रेट्स मिलते हैं।
इनकी करी हमने मल्टीप्लाई आइटम मल्टीप्लाई बाय रेट किया हमने और दैट इज कॉल्ड क्या निकला हमारा अमाउंट निकला किसमें इन रुपीज में दैट इज कॉल्ड बिल ऑफ क्वांटिटी क्या बोलते हैं दोस्तों इसको बिल ऑफ क्वांटिटी बोलते हैं BOQ जिसमें फाइनल क्या निकलेगा बजट निकलेगा अभी जो मैंने आपको कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स के पार्ट में एस्टिमेशन पार्ट में जो आपको मैंने लेक्चर्स प्रोवाइड किए उसमें एक लेक्चर लास्ट लेक्चर मिसिंग है अभी जो कि मैं आपको एक या दो दिन में आपको प्रोवाइड करने वाली मेरी पूरी टीम इसमें लगी हुई है कि लास्ट लेक्चर जल्दी से आप लोगों को प्रोवाइड किया जाए जिसमें फाइनल बजट निकला हुआ है मतलब जो आपको मैं बताऊं तो SOR में जो हमने रीड आउट किए हैं तो एक पार्ट बचा वुडवर्क वाला वो वुडवर्क के साथ हमारा फाइनल बजट निकलेगा करीब 20 से 22 लाख हम पहुंचने वाले हैं जिसमें हम कंप्लीटली बजट जानेंगे कि लास्ट हमारा फाइनल बजट कितना है BOQ की कंप्लीट लेक्चर्स मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किए गए हैं यहां पर बिल ऑफ क्वांटिटी बनाना आप लोगों के लिए यहां पर मैंने सिखाया गया एस्टिमेशन पार्ट में मतलब आप किसी कंपनी में जाकर आप क्लेम कर सकते हैं मतलब कोई आपसे कंपनी में जा रहे हैं आप इंटरव्यू देने के लिए आप क्लेम कर सकते हैं मैं एस्टिमेशन कर सकता हूं वो क्या करेंगे आपको आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर ड्राइंग देंगे जैसे ड्राइंग मैंने आपको सॉल्व आउट करना सिखाया सेम वैसा ही ड्राइंग देंगे आपको क्या करना है जस्ट रीड आउट करके एस्टिमेशन सॉल्व आउट करना है बिल ऑफ क्वांटिटी बनाना है दोस्तों 4 से 5 साल के जो एक्सपीरियंस इंजीनियर होते हैं ना जो साइट पर रहते हैं वो भी नहीं बना पाते इसको आपके अंदर कॉन्फिडेंस जनरेट हो चुका है कि आप किसी भी कंपनी के लिए बिल ऑफ क्वांटिटी बना सकते हैं किसी भी क्लाइंट के लिए एस्टिमेशन सॉल्व आउट कर सकते हैं ये कॉन्फिडेंस जनरेट हो गया आपके अंदर तो इस कॉन्फिडेंस को जाकर शो ऑफ करो बाहर लोगों को बताओ कि मुझे बिल ऑफ क्वांटिटी आया जब तक आप अपने बारे में नहीं बताओगे लोगों को नहीं पता ठीक है लेकिन ये उन्हीं लोगों के लिए जिन्होंने अपना एस्टिमेशन पार्ट कंप्लीट कर लिया है हमारे कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स में आगे चलते हैं यहां पर इसके बाद समझते हैं एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा मोड ऑफ मेजरमेंट के बारे में जानना तो देखिए नेक्स्ट स्लाइड में जो मैंने रखा है यहां पर कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटीज ये कंप्लीटली है मोड ऑफ मेजरमेंट देखिए मैंने एस्टिमेशन पार्ट में आप लोगों से एक वादा किया था कि केवल 5 कैलकुलेशन कराऊंगा आपसे और आप पूरा बिल्डिंग का एस्टिमेशन सॉल्व आउट करना सीख जाएंगे केवल 5 कैलकुलेशन जो कि आप बचपन से करते हो 6th से लेके 8th क्लास के बीच में जो आपने कैलकुलेशन की है अपने वॉल्यूम वाले चैप्टर में एरिया वाले चैप्टर में केवल वही मैं यहां पर लेने वाला हूं तो देखिए कैलकुलेशन पैटर्न केवल 5 तरीके से होते हैं वो क्या है 5 तरीके वो मैं यहां से देखता हूं सबसे पहले है वॉल्यूम बचपन से पढ़ते हैं मतलब 3 डायमेंशन की मल्टीप्लाई कर दूं दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम तो दैट इज एल इनटू बी इनटू एच इनका यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है क्यूबिक मीटर ऐसे आइटम जैसे कंक्रीट वर्क हो गया आपका कंक्रीट वर्क होता है तो कंक्रीट वर्क किसमें फाइंड आउट करेंगे क्यूबिक मीटर में फाइंड आउट करेंगे जिन भी चीजों की 3 डायमेंशन की मल्टीप्लाई कर दें वो पहले मोड ऑफ मेजरमेंट में आएंगे दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम में अब आते हैं एरिया सेकंड मोड ऑफ मेजरमेंट क्या होता है एरिया मतलब क्या जिनकी 2 डायमेंशन की मल्टीप्लाई कर दें उनको हम निकालते हैं किसमें एरिया में देखिए यहां पे एल इंटू बी और एल इंटू एच दो पार्ट में मैंने सॉल्व किया दोनों में क्या है 2 डायमेंशन की मल्टीप्लाई हुई है ऐसा क्यों जितने भी लोगों ने प्लास्टरिंग वर्क वाला चैप्टर पढ़ लिया है मेरा उन्हें पता होगा कि जैसे हम वॉल की बात कर रहे हैं तो वॉल में क्या निकालते हैं लेंथ इनटू हाइट कैलकुलेट करते हैं मतलब 2 डायमेंशन हो गई अगर हम सीलिंग की बात करेंगे तो लेंथ इनटू विड्थ की बात करते हैं हाइट की बात नहीं होती तो दैट इज कॉल्ड एल इनटू बी यहां पे एक चीज और बता दूं मैं कि एरिया कैलकुलेशन हमारे शेड्यूल ऑफ रेट्स में जो डिसाइड करें मतलब सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट ने जो अपने नॉर्म्स में कहा है वो क्या कहा है यहां पे उन्होंने कहा है कि ऐसी डायमेंशन जिनकी कोई सी भी 1 डायमेंशन हमारी फिक्स्ड कर दें हम जैसे हमने फिक्स कर दिया प्लास्टर के केस में 6 mm का प्लास्टर देना है 12 का प्लास्टर देना है 15 का प्लास्टर ये 1 डायमेंशन क्या हो गई फिक्स हो गई या एक ऐसी डायमेंशन जो कि नेग्लिजिबल हो जैसे बिटुमिन कोट उसकी थिकनेस कुछ होगी क्या नहीं होगी पेंट की कोई थिकनेस होगी क्या नहीं होगी पेंट की थिकनेस हम नहीं निकाल सकते तो डायमेंशन या तो नेग्लिजिबल हो या डायमेंशन फिक्स्ड हो ऐसी क्वांटिटीज को हम केवल 2 डायमेंशन में मल्टीप्लाई करते हैं दैट इज कॉल्ड एरिया कैलकुलेशन जिसकी यूनिट ऑफ मेजरमेंट होता है स्क्वायर मीटर में इसके बाद देखते हैं दोस्तों यहां पे भारी वर्ड लिखा हुआ है मैंने इनुमरेटेड क्वांटिटीज देखिए घबराने की जरूरत नहीं है इनुमरेटेड क्वांटिटीज मतलब जिनको काउंटेबल क्वांटिटीज जिसको हम गिन सकते हैं इजीली जैसे मैं मार्केट में गया ये पेन लेने और मैंने कहा भैया मुझको 10 m³ पेन चाहिए 10 क्यूबिक मीटर पेन चाहिए क्या मुझे देगा मार्केट में शॉपकीपर देगा क्या नहीं देगा क्योंकि वो जानते ही ना 10 m³ किस पेन की बात कर रही है कि मैं उससे कह रहा हूं 10 m³ मुझे पेन चाहिए नहीं देगा भैया वो क्या करेगा वो काउंटेबल देते हैं कि 4 पेन चाहिए 5 पेन चाहिए मुझे 6 पेन चाहिए तो दैट इज कॉल्ड काउंटेबल हमारे बिल्डिंग में भी ऐसे आइटम लगते हैं डोर के फिटिंग आइटम एल ड्रॉप लैच डोर होल्डर डोर स्टॉपर हिंजेस टावर बोल्ट हैंडल ये सब क्या है हमारे countable quantities है countable quantities का जो word CPW ने decide किया है वो है enumerated quantities enumerated मतलब जिनको हम count कर सकते हैं इनका mode of measurement होता है number per piece में और unit of measurement होता है किसमें each में मतलब per कितने piece मैंने मंगाए अपने site में that is called enumerated quantities
फोर्थ नंबर की हम बात करते हैं, जो कि हमने एल्युमिनियम विंडो वाले केस में हमने कंसीडर किया था, रनिंग मीटर वाला केस। तो रनिंग मीटर मल्टीप्लाई जितने भी हमने मीटर लगाया, दैट इज कॉल्ड रनिंग मीटर। मतलब इस पेन को कितने मीटर, ये पेन है मेरा, दैट इज कॉल्ड रनिंग मीटर। मैंने जस्ट इसको टेप को यहां पकड़ा, यहां तक इसकी फाइनल डेस्टिनेशन तक क्या कर लिया, मेजर कर लिया, दैट इज कॉल्ड रनिंग मीटर। इसके अलावा यहाँ पे क्या है, ये मीटर में लेते हैं और यहाँ पर मीटर में, मतलब जितने भी प्लम्बिंग से रिलेटेड आइटम होते हैं, जैसे पाइप्स हो गए, इलेक्ट्रिकल पाइप्स हो गए, इनकी मेड ऑफ मेजरमेंट होता है किसमें, मीटर में होता है। इसके अलावा लास्ट कैलकुलेशन जो मैंने आप लोगों से कराई थी, फिफ्थ कैलकुलेशन, मास। मास मतलब कि जिनको हम बचपन से पढ़ते हुए हैं, मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। मास की यूनिट होती है केजी। देखिए दोस्तों, वॉल्यूम की यूनिट होती है हमारी क्या, मीटर क्यूब, और डेंसिटी यूनिट होती है केजी पर मीटर क्यूब। मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल आउट, आंसर किसमें आया, केजी। और मास की यूनिट भी क्या होती है हमारी, केजी में होती है। दैट इज यूनिट ऑफ मेजरमेंट किसमें आया हमारा, केजी में आया। तो ये पांच मोड ऑफ मेजरमेंट से आप पूरे बिल्डिंग का एस्टिमेशन यहां पे क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर, और नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हमारे क्या पार्ट यहां पे कंसीडर किया था मैंने। देखेंगे दोस्तों आप साइड क्लीनिंग, मतलब जब भी हम बिल्डिंग बनाते हैं तो सबसे पहले साइड को क्या करते हैं, हम क्लीन करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, कुछ ऐसी साइट मिलती है, क्या ऐसी साइट में मैं कंस्ट्रक्शन कर सकता हूं, नहीं कर सकता। तो मैं क्या करूंगा, इस साइट को कुछ ऐसा क्लीन करा लूंगा। अब दोस्तों यहां पे बहुत से सारे लोगों ने एक बात पूछी है मुझसे बार बार फोन करके, मेरे पास डाउट सेशन जितने भी मैंने प्रीवियसली डाउट सेशन लिए हैं, कम से कम 5 से 6 डाउट सेशन हो चुके हैं मेरे इस कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स में ऑनलाइन जिसमें जुड़ चुके हैं हमारे साथ। इसमें एक क्वेश्चन पूछा, सर एक मीटर एक्स्ट्रा ले रहा हूं मैं, ठीक है आपकी बात मान ली हमने, लेकिन मान लीजिए ये बिल्डिंग, यहां पर मेरे पास प्लॉट है, यहां तो चलो एक मीटर ले रहा हूं, यहां भी एक मीटर, इधर कुछ भी नहीं है पीछे, लेकिन मान लीजिए सर यहां पर जो है घर बना हुआ है किसी का, ये पहले से एरिया जो है क्या है, टेक ऑफ है, पहले से किसी का घर बना हुआ है। अब एक मीटर कैसे लूं यहां पे, कोई इशू नहीं है, आप यहां तो एक मीटर ले सकते हैं यदि स्पेस है एक्स्ट्रा, और मतलब एक मीटर ये हो गया और एक मीटर ये हो गया, यहां भी एक्स्ट्रा ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यहां पे मत लो आप चारों साइड, आप यहां पर क्या है, ये मिनिमम डाटा है जो क्लाइंट एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। क्लाइंट को क्यों एक्सेप्ट करना पड़ेगा, देखिए इसके पीछे लॉजिक समझिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपका घर है, आप घर में क्या लगा रहे हैं, पोछा लगवा रहे हैं अपने भाई से, यहाँ पे भाई आई काम वाली भाई, और वहां पे क्या लगा रही है, पोछा लगा रही है। क्या वो घर घर में पोछा लगाते हैं, बाहर भी लगाते हैं थोड़ा सा बाहर भी लगाते हैं, मतलब घर के थोड़ा सा बाहर, क्यों, क्योंकि बाहर की जो गंदगी है वो घर में ना आए, इसलिए थोड़ा सा और बाहर साफ कर देते हैं हम, जिससे क्या होगा हमारे पास घर में जो मतलब जो गंदगी आ रही है वो सेफ हो जाए, अब ना आए वो। सेम इस तरह से मान लीजिए यहाँ पे आपका मटेरियल रखा हुआ है, इधर ही हमने मटेरियल रखवा दिया, लेकिन यहाँ पूरा गंदा है तो पूरा हमारा साइड फील्ड से क्या हो जाएगी, गंदी हो सकती है। इसलिए हम क्या करते हैं, एक मीटर और एक्स्ट्रा हम क्या कराते हैं, साफ करा देते हैं, जिससे हम इजिली मटेरियल रख पाए और बाहर का जो गंदा है इन एक मीटर में क्या हो जाए, वो थोड़ा सा कम हो जाए। इसलिए हम यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चलते हैं, एक एक मीटर। आप इसको ज्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन आपका क्लाइंट क्या आपको यहां पे अप्रूवल दे रहा है, ये जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कुछ क्लाइंट यहां पे 2-3 मीटर और एक्स्ट्रा दे देते हैं आपको, ये क्लेम जानना जरूरी है, लेकिन एक मीटर तो देना पड़ेगा ही है, इसलिए एक मीटर मिनिमम यहां पे मैंने क्या कराया, सॉल्व आउट कराया। अब आपका क्लाइंट हो सकता है 4 मीटर एक्स्ट्रा दे दे, जिसके लिए आप काम कर रहे हैं वो यहां पे हो सकता है और एक्स्ट्रा दे दे, तो आप एक्स्ट्रा यहां पे क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। अब ये जो क्वेश्चन यहां पे आता है कि एक मीटर यहां पे एक्स्ट्रा लेंगे क्या, नहीं लो एक मीटर, अब किसी का घर बना हुआ है तोड़ोगे थोड़ी नहीं, आप इधर एक मीटर बढ़ा दो एक्स्ट्रा, मान लीजिए इधर भी घर बना हुआ है, चलो आपने इतना तो मुझे नहीं दिया यहाँ पे कंसेप्ट, लेकिन एक मीटर यहाँ भी हमने नहीं ले सकते क्योंकि घर बना हुआ है, आप यहाँ पे ले लो एक मीटर अगर जगह है तो, चलो यहाँ भी नहीं है तो आप इधर जितनी जगह है आप उतनी ले लो। अब आप कह रहे हो यहाँ भी नहीं है जगह, तो कहीं तो ले होगी ना जगह जहाँ आप मटेरियल रखवाएंगे, मान लीजिए रोड है तो रोड पे मटेरियल रखोगे, चलो फॉर एग्जांपल रोड ब्लॉक कर दो आप, लेकिन साफ तो कराओगे ना मटेरियल रखने से पहले, वो साफ करने की जगह लिए है ये एक एक मीटर जो चारों साइड से एक्स्ट्रा कहता हूँ, वो साफ करने की जगह है, मतलब 4 मीटर स्क्वायर आप जगह को क्या करा सकते हैं, क्लीन करा सकते हैं। ये मिनिमम डाटा है, जब ये आपका क्लाइंट अप्रूवल देता है तो आप ज्यादा भी कर सकते हैं इसको। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर, नेक्स्ट स्लाइड में जानते हैं कि और आप लोगों को मैंने यहाँ पे क्या सिखाया है। तो यहाँ पर आती है साइट क्लीनिंग की डेफिनेशन, यहाँ पे आप लोगों को मैंने क्लियरली बताई थी साइट क्लीनिंग करना क्यों जरूरी है। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, वो होती है एस्टिमेशन शीट। तो दोस्तों देखोगे यहां पे एस्टिमेशन शीट, ये साइट सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन, नंबर ऑफ आइटम, लेंथ, विड्थ, हाइट और ये टोटल, ये क्या है, एक एस्टिमेशन शीट है जिसके अंदर हम डाटा पुटअप करते हैं। ये फर्स्ट नंबर का डाटा मैंने यहाँ पे सॉल्व आउट करने में सिखाया आप लोगों को एक नोट्स के फॉर्म में कि किस तरह से यहाँ पे पुटअप करते हैं डाटा को हम। इसको आपको मैंने सिखाया गया एक्सेल शीट पे पुटअप करना कि एक्सेल शीट पे कैसे हम डाटा को पुटअप करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट सीरियल नंबर जो कि होता है हमारा साइट क्लीनिंग। साइट क्लीनिंग हम कितनी बार करेंगे, एक ही बार करेंगे। यदि मेरे पास 4 है नंबर ऑफ प्लॉट तो यहां पे मैं कितना लिख दूंगा, 4 लिख दूंगा उस केस में, जितने नंबर ऑफ प्लॉट होंगे, लेकिन साइट क्लीनिंग करूंगा एक ही बार।
इसके बाद आते हैं लेंथ की बात। देखिए लेंथ में लेंथ जितना लेंथ है प्लॉट का उसमें एक एक मीटर हमने क्या कर दिया एक्स्ट्रा कर दिया, वो भी हमने क्या कर दिया यहां पे क्लेम कर रहे हैं यहां पर हम। इसके बाद विड्थ में हमने क्या करा विड्थ ऑफ द प्लॉट उसमें भी एक एक मीटर एक्स्ट्रा कर दिया, ये भी क्या कर रहे हैं हम क्लेम कर रहे हैं। हाइट कुछ होगी क्या, हाइट कुछ भी नहीं होगी क्योंकि हम हाइट में थोड़ी नहीं करते, यदि मुझे पोंछा लगवाना है यहां पे तो रेट क्या होगा पर स्क्वायर मीटर में होगा। सिम पर स्क्वायर मीटर में करने के लिए दो डायमेंशन की मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज कॉल्ड लेंथ और दैट इज कॉल्ड विड्थ। अब इसके बाद चलते हैं टोटल में, तो टोटल में क्या है इक्वल्स टू नंबर ऑफ आइटम मल्टीप्लाई लेंथ इनटू विड्थ की हम सिंपलीफाई मल्टीप्लाई की और हमारा आंसर किस में आ गया स्क्वायर मीटर में आ गया है। दोस्तों यहां पर ये जो मैंने आपको एक फॉर्मेट दिया है ये फॉर्मेट क्या होता है पीडब्ल्यूडी का फॉर्म नंबर 23 जिसको बोलते हैं मेजरमेंट बुक। ये मेजरमेंट बुक का क्या है यहां पर फॉर्मेट है जिस पर हम एस्टिमेशन अपना पूरा क्या करते हैं सॉल्व आउट करते हैं। यहां पर कंप्लीटली मैंने आपको बताया था नोट्स में कि पहला पॉइंट किस तरह से यहां पर सॉल्व आउट होगा, ये मैंने वीडियोस में भी सॉल्व आउट करना सिखाया आप लोगों को, एक्सेल शीट पर कैसे पुट अप करते हैं वो भी सिखाया आपको कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स के जो मैंने आपको लेक्चर्स प्रोवाइड किए हैं। आगे चलते हैं यहां पर नेक्स्ट स्लाइड की ओर और नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं और क्या आपको डिटेल में दिया गया है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पेज है ये वाला क्योंकि ये जितने भी नॉर्म्स मैंने दिए हैं ये सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के नॉर्म्स के आधार पर सारे नॉर्म्स लिखे गए हैं। आप इसको ध्यान से रीड आउट करें क्या लिखा है यहां पर। सबसे पहले में लिखा है एक्सकवेशन इज द प्रोसेस ऑफ मूविंग अर्थ रॉक और अदर मटेरियल विद द टूल्स इक्विपमेंट एंड एक्सप्लोजिव। मतलब एक्सकवेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अर्थ को मूव करते हैं, अर्थ को मूव मतलब एक्सकवेट करना कह रहा है यहां पर कि हमें गड्ढा खोदना है तो क्या करना है मिट्टी को सॉइल को बाहर निकालना है किसी के भी द्वारा किसी भी इक्विपमेंट के द्वारा हम क्या कर सकते हैं इसको बाहर निकाल सकते हैं, किसी भी टूल्स की मदद ले सकते हैं। एक्सप्लोसिव मतलब डायनामाइट लगा के आपको शेड्यूल ऑफ रेट्स की जो वीडियोस मैंने प्रोवाइड किए हैं उन लेक्चर्स में डायरेक्टली आप लोगों को बताया कि डायनामाइट लगाएंगे और नहीं लगाएंगे तो कितना रेट में डिफरेंस होता है वो शेड्यूल ऑफ रेट्स में कंप्लीटली मैंने डायनामाइट का केस लिया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में क्या है ऑल एक्सकवेशन ऑपरेशन शैल इंक्लूड एक्सकवेशन एंड गेटिंग आउट ऑफ द एक्सकवेटेड मटेरियल, द एक्सकवेशन शैल कंफर्म टू द लाइंस एंड लेवल शोन इन द ड्रॉइंग। मतलब जैसा भी ड्रॉइंग में जितना भी डायमेंशन दिया गया है आप उसी के अनुसार क्या करेंगे एक्सकवेशन का लाइन एंड लेवल मैच करेंगे। इसके बाद एक्सकवेशन कैन बी डन बाय मैकेनिकली और मैनुअली मींस एज पर ईज ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। देखिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए अब एक्सकवेशन मशीन से भी होता है मतलब जेसीबी से करवा सकते हैं हम, एक्सकवेशन आप अपनी लेबर से भी करा सकते हैं, ये टोटली डिपेंड होता है। मतलब क्लाइंट कभी नहीं कहेगा आप क्योंकि आपको जेसीबी से कराएं या आपको लेबर द्वारा कराएं, ये टोटली डिपेंड अपॉन कॉन्ट्रैक्टर कि कॉन्ट्रैक्टर को आसानी किसमें पड़ रही है, ईज ऑफ कॉन्ट्रैक्टर मतलब आसानी किसमें पड़ रही है इस काम को कंप्लीट कराने में, ये कॉन्ट्रैक्टर पर डिपेंड करेगा कि मैनुअली मीन से कराए या जेसीबी से कराए। इसके बाद एक्सकवेशन वेयर डायरेक्टेड बाय इंजीनियर इन चार्ज शेल सिक्योर्ड फेंस्ड एंड प्रोवाइडेड विद द प्रॉपर कॉशन साइन कंटिन्यूअली डिस्प्लेड ड्यूरिंग द डे प्रॉपरली इल्यूमिनेटेड विद द रेड लाइट ड्यूरिंग द नाइट टू अवॉइड एक्सीडेंट। मतलब जो इंजीनियर इन चार्ज जो उस साइट की जिम्मेदारी ले रहा है व्यक्ति, वो जो व्यक्ति है वो कंप्लीटली वहां पे एक चेकलिस्ट बनाए कि आपकी जो साइट है वहां पे एक्सकवेशन हुआ है, रात में कोई व्यक्ति आ रहा है लेबर आ रही है मेरी, वो नीचे ना गिर जाए एक्सीडेंट ना हो जाए, रेड लाइट लगाए यहां पर या टेपिंग कर देते सील कर देते हैं रात के टाइम पर इसको, तो ये प्रॉपर्ली जानकारी किसके पास होनी चाहिए इंजीनियर इंचार्ज वहां पे इस चीज को देखे उधर। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है पंपिंग आउट ऑफ वाटर ड्यूरिंग एक्सकवेशन शैल बी मेजर्ड इन क्यूबिक मीटर। मतलब आपका जो एक्सकवेटेड पिट है उसमें पानी भर गया, अब पानी निकालना है तो उसकी कैलकुलेशन किसमें करेंगे हम क्यूबिक मीटर में करेंगे, ठीक है यहां तक समझ में आ गया। शैल बी पेबल वन टाइम फॉर द एंटायर ऑपरेशन ऑफ एक्सकवेशन, हाइट ऑफ कैलकुलेटिंग वॉल्यूम शैल बी बेस्ड ऑन द डिफरेंट ऑफ वाटर लेवल एंड द बॉटम ऑफ द एक्सकवेटेड पिट। मतलब पानी निकालने का पैसा केवल एक ही बार मिलेगा आपको, मतलब आपको बार बार नहीं मिलेगा पानी निकालने का पैसा, कब मिलेगा आपको एक ही बार मिलेगा। कैलकुलेशन कैसे करनी है आपको, मान लीजिए ये आपके पास एक्सकवेटेड पिट है यहां पे पानी भर गया, ठीक है एक्सकवेशन का जो साइज है ये है आपके पास 1.8 मीटर का, ठीक है 1.8 मीटर का हुआ है, आपको बॉटम से जहां पानी भरा है उसके टॉप तक का पैसा मिलेगा। मतलब हाइट आपको ये कंसीडर करनी है 1.8 नहीं, मान लीजिए ये 1.5 मीटर है तो आपको 1.5 मीटर तक क्या करना है क्लेम कर सकते हैं आप अपने बिल में, ठीक है। इसके बाद चलते हैं एक्सकवेशन कैन बी कैलकुलेटेड इन क्यूबिक मीटर, एक्सकवेशन क्यूबिक मीटर में कैलकुलेट करते हैं अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस एज पर गिवन ड्रॉइंग और मॉडिफाइड डायमेंशन, टेक एक्स्ट्रा 100 mm इन ईच ऑल साइड। मतलब एक्सकवेशन करते टाइम आप 100 mm एक्स्ट्रा कर सकते हैं। यहां भी बहुत से इंजीनियर्स का डाउट आया है, उस डाउट को भी मैं यहां पर कंसीडर करता हूं कि क्या डाउट था यहां पे। लेकिन उससे पहले एक बात समझिए कि क्यूबिक मीटर में जितनी भी कैलकुलेशन करेंगे उसमें अगर आपका आंसर डेसिमल में आता है तो आप 3 डेसिमल तक क्या करते हैं उसको कंसीडर करते हैं। जितनी भी ड्रॉइंग होंगी उसके डायमेंशन के आधार पर ही आपको वहां पर लिखना है। आप 100 mm की कहानी समझिए, मान लीजिए
देखिए CPWD होता है, हो सकता है ज़्यादा यहाँ पर 300 mm भी देते हैं CPWD यहाँ पर, लेकिन फॉर एग्जाम्पल आपका क्लाइंट है, वो आपका क्लाइंट केवल आपसे 100 mm की ही मंजूरी ले रहा है बस आपको कि 100 mm देना है, तो यहाँ पे हम केवल 100 mm क्या होता है एक मिनिमम डिस्टेंस होता है। 100 mm क्यों दे रहे हैं हम, लेवर के काम करने, लेवर तो अंदर से काम कर देगा, लेकिन जो हमारा सॉयल है सॉयल को कॉन्क्रीट के कॉन्टैक्ट में आने से बचाने के लिए हम 100 mm दे रहे हैं यहाँ पर। लेकिन फॉर एग्जाम्पल आपका क्लाइंट आपको अप्रूवल दे रहा है कि जब आपका यहाँ पर एग्रीमेंट साइन हो रहे हैं तो अप्रूवल मिला आपको कि 750 mm एक्स्ट्रा लेना चारों साइड से आपको, बहुत सारा डिस्टेंस हो गया, तो 750 mm, तो 750 mm हम बिल में क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। लेकिन फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट ने कुछ नहीं कहा आपसे और आप 750 mm ले रहे हैं, लेकिन क्लाइंट बाद में कह रहा है, लड़ रहा है आपसे कि आपको तो 100 mm मैंने देता हूँ हर बार क्लाइंट को, लेकिन इस बार नहीं दिया, तो 100 mm का ही हमें क्या करना है बिल में देना है। लेकिन अगर आपने 750 mm ले लिया, 300 mm ले लिया, उसका पैसा कॉन्ट्रैक्टर की जेब से जाएगा। क्यों? क्योंकि ईज ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, ऊपर भी एक पॉइंट पढ़ाया था ईज ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्टर अपने लिए किया गया काम, अपनी आसानी के लिए किया गया काम कॉन्ट्रैक्टर को पेएबल करना पड़ेगा, इसके लिए किसी भी तरह का क्लाइंट या गवर्नमेंट पे ऑफ नहीं करेगी। इसलिए यहां पर मिनिमम डिस्टेंस कितना है 100 mm, कि सॉयल और कॉन्क्रीट के बीच में एक कॉन्टैक्ट ना रहे किसी भी तरह का, एक गैप मेंटेन हो जाए, इसलिए 100 mm की कहानी यहां पर की गई है। अगर आपको ज्यादा लेना है तो अपने क्लाइंट से पहले अप्रूवल लेनी पड़ेगी, इसलिए यदि कभी भी आप एस्टिमेशन बनाएंगे तो पहले आप 100 mm ही ले। यदि आपका क्लाइंट अप्रूवल देता है आपको ज्यादा एक्सकवेट में ज्यादा गैप रखने की, तो आप बिल्कुल ज्यादा रख सकते हैं, तब आप बिल जब बनाएंगे तो बिल में आप ज्यादा कर दें, जितना क्लाइंट से आपकी अप्रूवल डीलिंग हुई हो उतना आप एक्स्ट्रा ले सकते हैं। लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं इसमें, एनी डैमेज डन बाय द कॉन्ट्रैक्टर टू एनी एग्जिस्टिंग वर्क शैल बी मेड गुड बाय हिम एट हिज ओन कॉस्ट। बहुत ही अजीब पॉइंट है ये तो। ठीक है, यदि आपके ड्राइंग में कहा गया है कि 2 मीटर का गड्ढा खोदना है, एक्सकवेट करना है आपको 2 मीटर का नेचुरल ग्राउंड लेवल से, और आपके लेबर ने वहां पर गड्ढा कर दिया 2.2 मीटर का, और आप बिल में जाकर लिख रहे हैं 2.2 मीटर एक्सकवेशन, आपका बिल पास नहीं होगा। क्यों? क्योंकि किसी भी तरह का गलती यदि पाई गई है वहां पर साइट पर, तो उसका पे कौन करेगा? कॉन्ट्रैक्टर करेगा। ये यहां पे साफ साफ एग्रीमेंट्स में भी लिखते हैं, जब हम NIT पास करा के एग्रीमेंट साइन होते हैं हमारे, तो कॉन्ट्रैक्टर ही क्या करेगा, उसका पे करेगा, उसका किसी भी तरह का उसको पास नहीं होगा बिल। यदि ऐसा हुआ है तो आप बिल में ना लिखें, बिल में वही लिखें जो आपको ड्रॉइंग में पास आउट किया गया है। तो ये कंप्लीटली CPWD के नॉर्म्स थे, इसको जरूर ध्यान से पढ़िएगा आप लोग वीडियो के बाद में, जिसमें आपको कंप्लीटली समझ में आएगा नोट्स में किस तरह से मैंने यहां पर आप लोगों के लिए यहां पर पॉइंट्स रखे हैं एक्सकवेशन वाले पार्ट में। अब यहां पर हुआ एक सेंट्रल लाइन लेआउट, देख रहे हैं आप लोग यहां पर ये जो चूना मार्किंग हुई है, ये क्या है? सेंट्रल लाइन लेआउट है। सेंट्रल लाइन लेआउट के लिए मैंने आपको ड्राइंग प्रोवाइड की गई है, वो ड्राइंग को जस्ट एज इट इज उतारना साइड पर, दैट इज कॉल्ड सेंट्रल लाइन लेआउट। इसके बाद यहां पर आप पीछे देख रहे हैं यहां पर गड्ढा खोदा जा रहा है, देख रहे हैं आप यहां पर एक्सकवेशन चल रहा है JCB से, ये जो चल रहा है यहां पर देखिए, ये तो हो गया लेंथ, ये हो गया यहां पर विड्थ, और हाइट मतलब इसका जो गड्ढा यहां पे कितना नीचे जा रहा है, दैट इज कॉल्ड एक्सकवेशन। मतलब 3 डायमेंशन, लेंथ विड्थ और ये हाइट हो जाएगी यहां पर, इसलिए 3 डायमेंशन कैलकुलेशन हम किस में करते हैं, क्यूबिक मीटर यहां पे फाइंड आउट करते हैं। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या है ये। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है ये, जो आप लोगों को समझनी पड़ेगी, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट द्वारा इस टर्म को क्या गया, भुर्जी। देखिए अंडा भुर्जी नहीं है ये यार, ये है भुर्जी, भूख तो लगी होगी आप लोगों को भुर्जी नाम सुन के, लेकिन ये एक्चुअल में भुर्जी क्या होता है, स्मॉल ब्रिक पिलर को कहते हैं भुर्जी। मतलब आपने जहां एक्सकवेशन करा, फॉर एग्जांपल ये आपका सेंटर लाइन है, ये जो आपको दिखाई दे रही है रॉड, ये आपका सेंटर लाइन है किसी भी फुटिंग का, तो आप क्या करेंगे यहां से एक्सकवेट करेंगे तो आपका सेंटर पॉइंट तो यहां पे खो गया। क्यों खो गया? जब भी हम यहां पे एक्सकवेट करते हैं तो एक्सकवेशन इररेगुलर शेप में होता है, मतलब ऐसा मेरे पास कुछ नहीं है, मैं ऐसे नीचे डालूं यहां से एक्सकवेट करूं बाहर निकाल दूं सॉइल को, ऐसा कोई भी मेरे पास आइटम नहीं है। यदि मैं JCB से कर रहा हूं तब भी इररेगुलर शेप में होगा, लेवर से कराऊं तो और ज्यादा इररेगुलर शेप में करते हैं लेवर, तो मेरे पास अब सेंटर पॉइंट खो गया, सेंटर पॉइंट को खो गया, बाद में मैं सेंटर लाइन लेआउट तो कर नहीं पाऊंगा, तो क्या करता हूं यहां पे भुर्जी बनाता हूं, जिसमें 3 से 4 लेयर के क्या होते हैं ब्रिक पिलर होते हैं, और ऊपर मोर्टार डाला हुआ है, आप लोग देख रहे हैं मोर्टार है, और यहां पे एक लाइन दी गई है। ये लाइन क्यों दी गई है? ये है सेंटर पॉइंट, हम यहां पे अब सेंटर पॉइंट इसका किसका, इस वाले फुटिंग का सेंटर पॉइंट दिया गया है ये। अब बाद में जब एक्सकवेट हो गया, अब इस सेंटर पॉइंट से दोबारा क्या कर सकता हूं, मैं रेफरेंस ले सकता हूं, इसलिए भुर्जी बनाना बेहद ही जरूरी है हम लोगों के लिए सेंटर लाइन लेआउट करने के बाद। मतलब धागा मार्किंग खुलने से पहले ही आपको सेंटर लाइन लेआउट में भुर्जी बनवाना होगा। अब यहां पे आपको देखिए सिखाया गया एक्सकवेशन के वाले पार्ट में लेंथ विड्थ और हाइट के बारे में, कि लेंथ ये हमारा, विड्थ ये, और ये हाइट है हमारा, 3 डायमेंशन हो गया, हम इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देते हैं, और क्या निकल जाता है हमारा क्यूबिक मीटर में आंसर निकल जाता है। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर,
नेक्स्ट स्लाइड में हम देखिए, यहाँ पर मैंने आप लोगों को कम्प्लीटली डिटेल में बताया था कि एस्टिमेशन शीट में एक्सकवेशन वाले पार्ट को कैसे पुटअप करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो केस है वो दो तरह की फुटिंग है, दो अलग अलग डायमेंशन की फुटिंग ली गई है, F1 और F2 तरह की। देखिए F1 दिया गया है और F2 फुटिंग यहाँ पर दी गई है आप लोगों को। सेकेंड पॉइंट लगा एक्सकवेशन, जो कि मैंने आपको एक्सेल शीट में भी करना सिखाया। यहाँ पर नंबर ऑफ फुटिंग, देखिए तरीका है कि आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉलो करना है, नंबर ऑफ फुटिंग, लेंथ इनटू लेंथ ऑफ द फुटिंग और 0.1 मतलब 100 mm और 100 mm हमने क्या किया एक्स्ट्रा किया, विड्थ में भी 100 mm और 100 mm क्या किया हमने एक्स्ट्रा किया, और हाइट ऑफ एक्सकवेशन इन तीनों इन चारों की क्या कर दी मल्टीप्लाई, इक्वल टू नंबर ऑफ आइटम मल्टीप्लाई लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट की हमने करी मल्टीप्लाई, आंसर किसमें निकलेगा क्यूबिक मीटर में। तो इसी तरह से हमने ड्राइंग का डाटा, जो ड्राइंग मिली है हमको, उस डाटा को टेक ऑफ किया, टेक ऑफ करने के बाद नंबर ऑफ फुटिंग मल्टीप्लाई लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट किया, यहां पे टोटल निकला किसमें F1 फुटिंग का हमारा यहां पे क्या निकल गया टोटल। सेम हमने F2 के लिए किया वही पार्ट की हमने मल्टीप्लाई कर दिया और यहां पे हमारा आंसर किसमें निकल गया क्यूबिक मीटर में निकल गया। अच्छा यहाँ पे ये 1.8 है, एक्चुअल में फुटिंग का साइज 1.5 है, तो जितने भी लोगों को नोट्स मिले यहाँ पर 1.5 कर लेने, क्योंकि यहाँ पे फुटिंग का साइज हमें 1.5 दिया गया है। फॉर एग्जांपल आपको साइज डिफरेंट होंगे तो यहाँ पर हम जैसे फॉर एग्जांपल चार तरह की फुटिंग है, अब क्या करोगे, कुछ इशू नहीं है, स्टेप तो वही रहेगा, बस F1, F2, F3, F4 जितने भी तरह की फुटिंग है हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कंसीडर कर सकते हैं, इधर कितने भी तरह की फुटिंग यहाँ पर हमें मिले। नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं और देखते हैं किस तरह से आपको यहाँ पर दिया गया है। तो नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताया सैंड फिलिंग के बारे में, देखिए बहुत सारी साइड होती है सैंड फिलिंग नहीं दी जाती है, लेकिन यहां पर मैंने आपको कंप्लीट लेक्चर में बताए हैं कि क्यों जरूरी है सैंड फिलिंग हमें किसी भी साइड पर करना, क्योंकि सैंड फिलिंग नहीं करेंगे तो काफी ज्यादा डैमेजेस हो सकते हैं हमारे फाउंडेशन पार्ट में, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है सैंड फिलिंग। तो यहां पर बताया सैंड फिलिंग इज डन इन फुटिंग, वी कांट प्लेस कॉन्क्रीट डायरेक्टली ऑन द अर्थ सॉइल बिकॉज इट अफेक्ट द मिक्स डिजाइन, मतलब हमारे कॉन्क्रीट के रेशियो को क्या कर सकता है, उसके रेशियो को इफेक्ट कर सकता है, इसलिए सैंड फिलिंग देना बेहद ही जरूरी है। पीसीसी के नीचे मतलब फुटिंग के बाद नीचे जो पीसीसी होती है उसके नीचे देना बेहद ही जरूरी है। इफ फुटिंग placed directly on the earth surface, if a small amount of vibration the earth during an earthquake will make a structure collapse, sand is minimizing the resistance, मतलब जो earthquake का effect आ रहा है हमारे earth पे, जो हमारी natural ground level है उसको क्या कर देता है minimize कर देता है, directly footing पे नहीं जाने देता, इसलिए बेहद ही जरूरी है वरना directly collapse हो सकता है हमारा structure। इसके बाद calculating quantities of sand filling in volume, अब देखिए यहाँ पर जो हम calculate करते हैं quantities को किस में करते हैं cubic meter मतलब volume में, 4 इंच से लेके 8 इंच मतलब इंटरव्यू क्वेश्चन है ये, इंटरव्यू में पूछा जाता है सैंड फिलिंग किसी भी फाउंडेशन पार्ट में कितने mm की थिकनेस में दी जाती है, तो यहाँ पे इंच की बात करूँ तो 4 इंच से लेके 8 इंच, और 4 इंच होता है 100 mm, 4 इंच होता है हमारा 100 mm, 100 mm से लेके 8 इंच कितना 200 mm। देखिए ये इंजीनियर्स को याद करना बेहद जरूरी है, मेरे कुछ दिनों पहले आप जाकर सर्च करेंगे यूट्यूब पर एक वीडियो आई थी यूनिट कन्वर्जन, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था वो। देखिए इंजीनियर्स से छोटी छोटी बातें पूछी जाती हैं, उसे याद करना सिखाता हूं मैं आपसे जो डेली लाइफ में होती है। देखिए 1 इंच मतलब 25 mm होता है, याद कर लीजिए 1 इंच मतलब 25 mm, 25.4 mm होता है लेकिन 25 mm कंसिडर करते हैं उसको, 2 इंच 50 mm, जस्ट 25 का डबल हो गया 50, 3 इंच 75 mm, 4 इंच 100 mm, 25 आगे बढ़ाते चलो, 5 इंच 125 mm, 6 इंच 150 mm, 7 इंच 175 mm, 8 इंच 200 mm। तो ये एक इंजीनियर की क्वालिटी होती है जो बिना काउंट किए आसानी से उसे पढ़ सके, इसके लिए आप जाकर यूट्यूब पर एक वीडियो है यूनिट कन्वर्जन की, आप उस पर देख सकते हैं, उसमें कंप्लीट मैंने डिटेल में बताया, इसका एक पार्ट और लेके आऊंगा यूनिट कन्वर्जन का, इन फ्यूचर एक पार्ट जरूर और आएगा जिसमें एडवांस लेवल पे भी आपको सिखाऊंगा, लेकिन बेसिक डिटेल यदि यूनिट कन्वर्जन की पढ़ने तो यूनिट कन्वर्जन वाली वीडियो जाकर देख सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देखेंगे तो आपको यूनिट कन्वर्जन की वीडियो भी मिल जाएगी। इसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट, अब बात करेंगे हम सैंड फिलिंग के कि किस तरह से यहाँ पे सैंड फिलिंग नीचे हो रहा है। देखिए आप नीचे देख सकते हैं ये पीसीसी हो रहा है और नीचे सैंड फिलिंग यहाँ पर दिया गया, तो पीसीसी पूरे एक्सकवेटेड पिट में दी जाती है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर और यहाँ पर समझते हैं, देखिए मैंने यहाँ पर डिटेल दी है कि हमें एक्सेल शीट पे किस तरह से फॉर्मेट यहाँ पे बनाना है सैंड फिलिंग का, उसके बारे में यहाँ पे कंप्लीटली आप लोगों को बताया गया है कि किस तरह से फॉर्मेट है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूँ, अब आते हैं प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट पे। प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट मतलब एक हार्ड स्ट्रेटा, जब भी प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट की बात करूं तो समझ जाना एक हार्ड स्ट्रेटा की बात हो रही है, जैसा कि आप लोग यहां पर देख रहे हैं एक हार्ड स्ट्रेटा बनाया हुआ है। ये हार्ड स्ट्रेटा हमारे पीसीसी यहां पर क्या करता है, फुटिंग को एक हार्ड बेस देता है, एक मजबूती प्रदान करता है। मतलब मैं नीचे खड़ा हूं यहां पर, अभी यदि यहां पर समझो एक सॉफ्ट सॉइल दी गई है तो मैं नीचे चला जाऊंगा, मतलब मेरा फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है लेकिन अब मैं खड़ा हूं यहां पर स्टेबल बेस से, क्योंकि नीचे का पार्ट कैसा है एकदम हार्ड है,
किसी भी तरह का नीचे इफेक्ट नहीं जा रहा मेरे लोड के कारण। सेम हमारे बिल्डिंग में जो फुटिंग होता है, हमारे फुटिंग वाले पार्ट को एक हार्ड बेस प्रोवाइड करने के लिए पीसीसी देना बेहद ही जरूरी है। चलते नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड में इसमें बताया गया था कि आपको यहां पे किस तरह से टेबल बनानी है। तो यहां पर टेबल दी गई है उसकी कि एक्सेल शीट में किस तरह से यहां पर टेबल बताया जाता है, तो स्टेप बाय स्टेप यहां पर फॉलो किया गया है। इसके नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। यहां पर हमें कंप्लीटली फुटिंग कॉन्क्रीट, देखिए यहां से क्या डाउट निकलते हैं, बहुत सारे इंजीनियर्स के कुछ डाउट है, वो मैं आगे कुछ वीडियोस आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, उसके बारे में आगे डिटेल में बताता हूं क्या डाउट यहां पे निकलते हैं। सबसे पहले फुटिंग। फुटिंग क्या है, इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर विच ट्रांसफर लोड ऑफ द स्ट्रक्चर टू द अंडरलाइन सॉइल। द सिलेक्शन ऑफ द फुटिंग डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग स्टेप्स। देखिए फुटिंग का जो सिलेक्शन होता है वो दो तीन स्टेप्स होते हैं, उस पर डिपेंड करता है। सबसे पहला द डेप्थ ऑफ द सॉइल। द डेप्थ ऑफ द सॉइल एट विच सेफ बियरिंग कैपेसिटी स्ट्रेंथ एग्जिस्ट, मतलब कि सेफ बियरिंग कैपेसिटी हमारी यहां पर एग्जिस्ट कर रही है उसके ऊपर क्या करता है, यहां पर डिपेंड करता है। देखिए कुछ टाइम में मेरी यूट्यूब पर एक वीडियो आएगी जिसमें मैं सेफ बियरिंग कैपेसिटी के बारे में आपको कंप्लीट डिटेल में बताऊंगा कि सेफ बियरिंग कैपेसिटी विदाउट एनी इक्विपमेंट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके बारे में डिटेल में मैं सेफ बियरिंग कैपेसिटी के ऊपर वीडियो लाने वाला हूं कि सेफ बियरिंग कैपेसिटी भी आप लोग निकालना सीखें। देखिए है तो पार्ट ये सॉइल मैकेनिक्स का पार्ट है, लेकिन कोई इशू नहीं है, मैं आपको इस वाले पार्ट को एस्टिमेशन कोर्स में नहीं रहेगा ये वाला पार्ट, ये आपको यूट्यूब पर इजीली अवेलेबल करा दूंगा मैं, क्योंकि हर एक इंजीनियर के पास पहुंच पाए कि बिना किसी इक्विपमेंट यूज करे एक सॉइल मैकेनिक्स की जरूरत, सॉइल मैकेनिक इंजीनियर जो होता है उसकी जरूरत ना पड़े, एक इजीली आप कैसे इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, इसके लिए यूट्यूब पर जल्दी ही मैं वीडियो अपलोड करने वाला हूं। The type and the condition of soil, soil की condition पर totally depend करता है जो selection हम करते हैं किसी भी footing का। The type of the superstructure, मतलब superstructure में load कितना है उसके पे भी depend करता है हमारी क्या footing का, depend करता है हमारा selection। दो तरह के foundation होते हैं, एक होता है shallow foundation और एक होता है deep foundation। Shallow foundation जिसमें हमारी width ज्यादा हो किससे, डेप्थ से। डेप्थ कम है विड्थ ज्यादा है शैलो फाउंडेशन, डेप्थ ज्यादा है विड्थ कम है डीप फाउंडेशन। डीप फाउंडेशन के बेस्ट एग्जांपल है पाइल फाउंडेशन, पियर फाउंडेशन, ये क्या है बेस्ट एग्जांपल होते हैं हमारे किसके, डीप फाउंडेशन के। शैलो फाउंडेशन मतलब देखिए, शैलो मतलब जिनकी विड्थ ज्यादा है डेप्थ कम है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आइसोलेटेड फुटिंग। अब आइसोलेटेड फुटिंग में देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं, रेक्टेंगल फुटिंग आइसोलेटेड का एग्जाम्पल, आइसोलेटेड मतलब अलग अलग, जो अलग अलग कर दिया, मैं आइसोलेट कर दिया, आजकल तो वर्ड भी चल रहा है कोरोना वायरस में आइसोलेट हो जाओ, जिसमें अलग हो जाओ। सेम आइसोलेटेड फुटिंग मतलब रेक्टेंगल फुटिंग, ट्रेपेजॉइडल फुटिंग, स्टेप फुटिंग, ये सब फुटिंग क्या होती है हमारी, आइसोलेट होती है, जिसको हम अलग अलग दे पाते हैं। इसके अलावा यहां पे और भी फुटिंग आते हैं, स्ट्रेप फुटिंग। स्ट्रेप फुटिंग मतलब दो फुटिंग दी गए हैं आपको, दो फुटिंग है, ये वाली फुटिंग जो है लोड सहने में सक्षम नहीं है, हमें पता चल गया लोड सहने में सक्षम नहीं है, मतलब लोड डालूंगा हो सकता है कोलैप्स हो जाए, मुझे ही पता चल गया अपने जब स्ट्रक्चर डिजाइन कर रहा हूं मैं, तो क्या करूंगा इसके बाजू वाली फुटिंग जो मजबूत है, यहां पर एक बीम यहां पर कंसीडर कर दिया मैंने और बीम से कनेक्ट कर दिया इधर, एक फुटिंग को दूसरी फुटिंग से क्या कर दिया, बीम से कनेक्ट। अब जो लोड सहने में सक्षम नहीं थी, अब ये इसके पास पहुंच गया, इसका लोड क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इस बीम की सहायता से। दिस बीम इज नोन एज स्ट्रैप बीम, इस बीम को कहा जाता है स्ट्रैप बीम और इस फुटिंग को कहा जाता है स्ट्रैप फुटिंग। एक कंडीशन पे और दी जाती है वाली फुटिंग, वो भी मैं आपको बताता हूं इस वाली डिटेल में कि किस कंडीशन में वाली फुटिंग और दी जाती है। देखिए मान लीजिए ये आपका प्लॉट है, ये आपका प्लॉट साइज, और यहां पर पहले से किसी का घर बना हुआ है, और एक बात मैं आप लोगों से कहता हूं कि कॉलम हमेशा फुटिंग के सेंटर पॉइंट पे आएगा, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ही क्या होता है लोड डिस्ट्रीब्यूट होता है। अगर कॉलम हमारा सेंटर पे नहीं आया तो इस कॉलम को बोलते हैं इसेंट्रिक कॉलम, क्योंकि लोड 360 डिग्री क्या नहीं होगा, डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। यदि कॉलम सेंटर पे है तो 360 डिग्री क्या होता है, लोड डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब दोस्तों यहां पर समझिए, फॉर एग्जाम्पल आपका ये प्लॉट है खाली, अब आपको यहां पर बाउंड्री वॉल करनी है, इधर बाउंड्री वॉल को सपोर्ट कौन देगा, कॉलम देगा। कॉलम अगर यदि दिया है तो नीचे क्या देना पड़ेगा, फुटिंग। तो मैंने क्या किया, यहां पर मैंने क्या किया, यहां पर आपको बाउंड्री वॉल देनी है, यहां पर दे दिया मैंने एक कॉलम। कॉलम के लिए क्या देना पड़ेगा हमको, फुटिंग देना पड़ेगा, तो मैंने फुटिंग दे दिया। तो दोस्तों ऐसे, अब देखिए कॉलम सेंटर पर है, कॉलम क्या है मेरा सेंटर पर, लेकिन दोस्तों क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, बिल्कुल नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि दूसरे के प्लॉट में जाकर एक्सकवेट नहीं कर सकता, वरना तो कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ेंगे मुझे यदि मैंने ऐसा कर दिया। ऐसे कंडीशन पर मुझे देना पड़ता है क्या,
ये जो कॉलम दिया मैंने यहां पर, ऐसे कंडीशन में क्या करना पड़ेगा मुझे, एक्सकवेट अपने प्लॉट में करना पड़ेगा, दूसरे के प्लॉट में मैं जाकर कुछ नहीं कर सकता। अब ये कॉलम हो गया, क्या हो गया, इसेंट्रिक कॉलम बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, इसेंट्रिक कॉलम। अब ये हो सकता है लोड सहने में सक्षम ना हो, क्योंकि 360 डिग्री तो लोड नहीं जा रहा मेरा, लेकिन हो सकता है इस पर लोड ही नहीं आ रहा ज्यादा, मतलब हो सकता है बस एक कॉलम गया ऊपर, एक स्लैब कास्ट कर दी, बस इतना ही लोड है इसके ऊपर, तो इसको हम अकेला छोड़ देंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, इसके ऊपर लोड हमने दे दिया है, तो इसके नियर अबाउट जो भी फुटिंग होगी उसके हम क्या करेंगे, बीम की सहायता से जोड़ देंगे। दिस फुटिंग इज ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रैप फुटिंग। इस फुटिंग को क्या जाता है, स्ट्रैप फुटिंग। मतलब मैं कहूं कि एक व्यक्ति मेरे पास कमजोर है और एक व्यक्ति ताकतवर है मेरे पास, अगर इस कमजोर व्यक्ति को ताकतवर बनाना है तो क्या चाहिए, इसकी सपोर्ट चाहिए, जो भारी भरकम आदमी है उसकी क्या चाहिए, सपोर्ट चाहिए। तो मैं इस दोनों का क्या करा दूंगा, टाई अप करा दूंगा, जिससे ये, यदि ये कमजोर व्यक्ति है तो ये जो ताकतवर व्यक्ति है उसकी क्या कर दे, मदद कर दे। तो मुझे क्या कर दे, यहां पर टाई अप करा दे, कमजोर फुटिंग का एक मजबूत फुटिंग से क्या करा दिया, टाई अप करा दिया इजिली। तो दिस फुटिंग इज कॉल्ड स्ट्रैप फुटिंग। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट फुटिंग की ओर, ये जो है कंबाइंड फुटिंग। देखिए कंबाइंड फुटिंग के बारे में, मान लीजिए कि आप कर रहे हैं एक्सकवेशन, और एक्सकवेशन से पहले कर रहे हैं आप सेंटर लाइन लेआउट। सेंटर लाइन लेआउट में कुछ ऐसा आ रहा है, आपका गैप है अभी, तो आप फुटिंग इजीली दे सकते हैं। देखिए तो एक्सकवेशन है, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, इजीली यहां पर इजीली क्या कर सकते हैं, अब ये यहां पर आपने क्या दिया, फुटिंग दे दिया इधर, तो इजीली आपकी फुटिंग है। यहां पर क्या है, आपका कॉलम है इधर, लेकिन दोस्तों आपने यहां पर दूसरी तरफ आपने फुटिंग दी इधर एक्सकवेशन के अंदर, ये फुटिंग दे दी आपने और यहां पर दे दिया कॉलम, फुटिंग का साइज कम हुआ क्या, जो एरिया ऑफ फुटिंग है कम हुआ क्या, बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। एरिया ऑफ फुटिंग आसानी से दे सकता हूं, ऐसे कंडीशन पर तो आइसोलेटेड है, अभी कंबाइंड की कंडीशन नहीं आई है। कंबाइंड की कंडीशन कब आएगी, अब वो देखते हैं हम यहां पर, कि कंबाइंड की कंडीशन कब आ रही है हमारी। मान लीजिए ये है आपका एक्सकवेशन पिट, और दूसरी एक्सकवेशन पिट इसी से मिलता हुआ आ रहा है, जस्ट बाउंड्री टच हो रही है एक्सकवेशन पिट की। अब आप क्या कर रहे हैं, यहां पर फुटिंग दे रहे हैं, तो फुटिंग आप कुछ ऐसे देंगे, फुटिंग यहां पर फुटिंग कैसे देंगे, कुछ इस तरह से आप फुटिंग देंगे। आप कॉलम कैसे देंगे, यहां पर कॉलम देख के दिखाता हूं मैं, यहां पर कॉलम, क्या अभी भी फुटिंग का साइज कम हुआ, एरिया कम हुआ क्या, बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। हाँ एक्सकवेशन जरूर साथ में होगा, क्योंकि एक्सकवेशन की बाउंड्री क्या हो रही है, टच हो रही है। अब एक्सकवेशन हम साथ में कैसे करेंगे उसके बारे में समझते हैं यहां पर, कि एक्सकवेशन मैंने इधर साथ में यहां पर कर दिया एक्सकवेशन, कि एक्सकवेशन तो साथ हो जाएगा लेकिन फुटिंग अलग अलग दे रहे हैं। अब यहां पर हम क्या करेंगे दोस्तों, एक और कंडीशन मैं यहां पर दे रहा हूं, उसको रफ कर देता हूं, एक कंडीशन और दूंगा मैं आपको। अब आते कंबाइंड फुटिंग की कंडीशन, मान लीजिए जब आप एक्सकवेशन कर रहे हैं तो एक्सकवेशन करते टाइम एक फुटिंग है और दूसरे का एक्सकवेशन ओवरलैप कर रहा है एक दूसरे की फुटिंग के साथ। अब इसके बाद यहां पर हम देखते हैं कि हमने एक फुटिंग दी इधर और दूसरी फुटिंग जो आ रही है हमारी वो यहां पर कुछ ऐसे आ रही है। अब कॉलम जो आ रहा है, कॉलम कुछ ऐसा आ रहा है। अब क्या फुटिंग का एरिया कम हुआ, बिल्कुल कम हो गया फुटिंग का एरिया, जितना रिक्वायर्ड फुटिंग का एरिया था वो क्या हो गया, हमारा कम हो गया। ऐसे कंडीशन पे हम एक्सकवेशन तो साथ में करेंगे ही, मतलब यहां से एक्सकवेशन साथ में होगा, साथ में फुटिंग भी एक ही दी जाएगी, एक ऐसी फुटिंग जिसमें एक दो या दो से ज्यादा कॉलम आ जाए। दिस फुटिंग इज नोन एज कंबाइंड फुटिंग। इस फुटिंग को कहा जाता है क्या, कंबाइंड फुटिंग। ये हो गई हमारी कंबाइंड फुटिंग। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट केस में, जो कि होता है मैट एंड राफ्ट। देखिए मैट एंड राफ्ट मतलब नाम से समझ में आ रहा है, देखिए राफ्ट मतलब एक बेयरिंग कैपेसिटी सॉइल की हमारी एकदम जितना प्लॉट का साइज है उसके बराबर है लगभग। मतलब मान लीजिए प्लॉट का साइज है हमारा 222 मीटर स्क्वायर और मेरा जो जितना फुटिंग का एरिया है वो करीबन 200 मीटर स्क्वायर है, तो ऐसे कंडीशन पे क्या करेंगे, सारी फुटिंग कंबाइंड हो जाएंगी। लेकिन हम कंबाइंड ना देकर ऐसी फुटिंग का हम सारा एक साथ एक्सकवेट कर देते हैं प्लॉट का, और क्या करते हैं फिर उसमें मैट या राफ्ट प्रोवाइड करते हैं। लेकिन मैट कहूं या राफ्ट कहूं, इसको मैट कहूं या राफ्ट कहूं, ये डिपेंड करता है इसकी थिकनेस पर। यदि किसी फुटिंग में, आपको मैं यहां पर लिख के बता देता हूं, यदि किसी फुटिंग में उसकी थिकनेस 300 mm से लेकर 450 mm तक दी गई है तो ऐसे कंडीशन पर इस फुटिंग को कहा जाता है मैट फुटिंग। लेकिन यदि ग्रेटर देन 450 mm दी गई है तो ऐसे कंडीशन पर कहा जाता है इसको राफ्ट फुटिंग। तो ये इंटरव्यू क्वेश्चन होता है कि मैट कब कहते हैं और राफ्ट कब कहते हैं, जो टोटली डिपेंड करता है इसके थिकनेस पर। यदि थिकनेस 300 mm से लेकर 450 दी गई है तो मैट कहूंगा, और 450 से ज्यादा होगा तो उसको राफ्ट फुटिंग कहा जाता है। दोस्तों ये टोटली जो पार्ट मैंने अभी आपको सिखाया है ये टोटली डिपेंड करता है सेफ बेयरिंग कैपेसिटी पर।
इसके बारे में मैं कंप्लीट एक वीडियो जरूर लाऊंगा आपको YouTube चैनल पर। YouTube चैनल पर जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। YouTube चैनल जिस दिन लोगों ने भी जो भी मुझे सुन रहे हैं YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो YouTube चैनल पर जाकर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको कुछ इसी पार्ट के रिलेटेड वीडियो YouTube चैनल पर आऊंगा। ये एस्टिमेशन का पार्ट बिल्कुल भी नहीं है, अभी भी बोल रहा हूं मैं एस्टिमेशन का पार्ट नहीं है, लेकिन आपका जानना बेहद जरूरी है। आप एक इंजीनियर हैं तो आपका हर तरह की क्वालिटी होनी चाहिए, इसलिए आपका जानना जरूरी है। इसलिए मैं YouTube चैनल पर जल्दी ही इस पार्ट को अपलोड करूंगा, सेम बेयरिंग कैपेसिटी को। आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो देखिए यहाँ पर आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाई दी है, आपको तीन इजीली फुटिंग दिख रही है यहाँ पर, लेकिन दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आप लोगों के लिए। क्यों इंपॉर्टेंट है देखिए समझिए, ये तीन तरह की फुटिंग है यहाँ पर। सबसे पहले जो फुटिंग है इसको रेक्टेंगल फुटिंग कहते हैं, ये हमारी स्टेप फुटिंग है और ये हमारी स्लोप फुटिंग है। जो स्लोप फुटिंग होती है इसको कहा जाता है मोस्ट इकोनॉमिकल फुटिंग। अब इकोनॉमिकल क्यों कहते हैं इसको वो समझिए। देखिए इकोनॉमिकल इसलिए कहते हैं, ये कम स्पेस में जितना, मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहां पे लोड आ रहा है हमारा 200 किलो न्यूटन का लोड है फॉर एग्जांपल। अब मैं ये सेम लोड इसमें दे दूं 200 किलो न्यूटन, सेम स्पेस कैरी कर रहे हैं, जितना स्पेस ये कैरी कर रहा है उतना स्पेस ये कैरी कर रहा है, 10 मीटर स्क्वायर फॉर एग्जांपल, ठीक है। 10 मीटर स्क्वायर में 200 किलो न्यूटन का लोड यहां पे हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इसमें भी और इसमें भी। लेकिन अब मैंने कह दिया अब आपको चाहिए 400 किलो न्यूटन का लोड, ये अब स्पेस अपना क्या करेगा, एक्सपांड करेगा। ये वाली फुटिंग रेक्टेंगल फुटिंग अपना स्पेस क्या करेगा, एक्सपांड करेगा। लेकिन यदि मैंने इस पे 400 किलो न्यूटन का लोड लगाया, जितना स्पेस ये ले रहा था उतना स्पेस नहीं कैरी करेगा, क्योंकि ये हाइट में ऊपर जाता है, और हाइट में भी कैसे जाता है, स्लोप में जाता है ऊपर, जिसकी वजह से यहां पर ज्यादा लोड क्या करता है, इजीली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। इसलिए मोस्टली जितने भी आपको आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर ड्राइंग मिलती है सभी में स्लोप फुटिंग दी जाती है, मोस्टली केसेस में स्लोप फुटिंग यहां पर कंसिडर करते हैं, क्योंकि स्लोप में तो हमारा वैसे कॉन्क्रीट कम हो गया, स्लोप में क्या हो गया कंक्रीट कम। अब ये एक्सपांड हुआ तो लेंथ विथ हाइट तीनों में इसका वॉल्यूम क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, लेकिन स्लोप की वजह से यहाँ पे जितना कंक्रीट देना था उससे कम ही कंक्रीट लगा। अब बात करते हैं रेनफोर्समेंट की। देखिए रेनफोर्समेंट तो सेम ही है तीनों में, रेनफोर्समेंट तो तीनों में सेम है। अब देखिए जब इसका लेंथ और विड्थ एक्सपांड करेगा तो इसका रेनफोर्समेंट की जाली भी क्या करेगी, एक्सपांड करेगी, मैश जिसको बोलते हैं। इस केस में इसका लेंथ और विड्थ तो हमने एक्सपांड करी नहीं, इसका हाइट एक्सपांड किया, और जो जाली मैश डिपेंड करती है वो कहां करती है, लेंथ और विड्थ पे। इसलिए इस फुटिंग को कहा जाता है मोस्ट इकोनॉमिकल फुटिंग, क्योंकि ये सस्ता पड़ता है हमको स्लोप फुटिंग, और ज्यादा लोड को डिस्ट्रीब्यूट करने में सक्षम है ये लोड। अब दोस्तों स्टेप फुटिंग वहां दी जाती है, जैसे मान लीजिए आपका ये जो सॉइल में इतना ज्यादा मॉइस्चर है कि जो मेरे स्टील बार है कॉलम के, जो स्टील बार होते हैं ये इफेक्ट कर रहे हैं हमारे, मतलब कॉरोड हो सकते हैं, ये हमें पता चल गया, मतलब कोस्टल एरियाज में ऐसी कंडीशन में यहां पर दी गया। तो ऐसी कंडीशन में हम कौन सी फुटिंग देते हैं, स्टेप फुटिंग हम क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर, और नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं कि और क्या आपको दिया गया था। देखिए यहां पर ट्रेपेजॉइडल फुटिंग आपको दी गई है, ट्रेपेजॉइडल फुटिंग जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फुटिंग होती है, ट्रेपेजॉइडल फुटिंग इसका एस्टीमेट, देखिए बहुत से इंजीनियर इसका एस्टीमेट नहीं कर पाते, इसका वॉल्यूम नहीं निकाल पाते, तो इसको निकालने के लिए एकदम इजी प्रोसेस मैंने आप लोगों को बताया था, जो इसको दो पार्ट में तोड़ दो, मतलब पहला पार्ट तो ये हमारा रेक्टेंगल पार्ट, इसके बाद यहां पर स्लोप पार्ट है, ये स्लोप पार्ट है, और यहां पर इसको फिर से बनाता हूं मैं इधर। देखिए फर्स्ट पार्ट जो है हमारा वो है रेक्टेंगल पार्ट, दूसरा पार्ट है हमारा यहां पे स्लोप पार्ट, ये हमारा स्लोप है इधर, और इसके बाद यहां लगा हुआ है हमारा कॉलम वाला पार्ट। तो इसको दो पार्ट में हमने क्या कर दिया, कट ऑफ कर दिया, पहले पार्ट का नाम दे दिया हमने यहां पर A1 है, ये पहला पार्ट जो कि है रेक्टेंगल, जिसको निकालने के लिए L into B into H, सेकेंड पार्ट जो स्लोप पार्ट है जिसको ट्रेपेजॉइडल पार्ट बोलते हैं इसको नाम दे दिया A2। अब इस पार्ट को निकालने के लिए एक फॉर्मूला है D/3 into A1 plus A2 plus √A1 into A2 क्या करेंगे हम इसका निकालते हैं। ये कंप्लीटली मैंने आपको वीडियोस में बताया हुआ है कि किस तरह से इसका फाइंड आउट करते हैं हम वॉल्यूम। अब इसका एक्सेल शीट कैसे बनाते हैं वो आप लोग देखेंगे, यहां पर एक्सेल शीट किस तरह से बनते हैं, तो यहां पर आप लोग देख रहे हैं एक्सेल शीट आया फिफ्थ नंबर में, जो आपको दिखाई दे रहा है ये है इसका एक्सेल शीट, फुटिंग कंक्रीट। सबसे पहले यहां पर फुटिंग कंक्रीट लिखा, वही टेबल है जो आपको एस्टिमेशन शीट में आपको बता रहा हूं। F1, देखिए F1 लिखा, रेक्टेंगल पार्ट और ट्रेपेजॉइडल पार्ट, रेक्टेंगल पार्ट जितने भी आपके दिए गए हैं, मतलब जितने भी नंबर ऑफ फुटिंग है F1 के केस में, सेम ट्रेपेजॉइडल पार्ट जितने रेक्टेंगल होंगे उतने ही ट्रेपेजॉइडल होंगे। यदि F1 16 फुटिंग है तो रेक्टेंगल भी 16, ट्रेपेजॉइडल भी 16। अब रेक्टेंगल पार्ट के लिए जो साइज दिया, रेक्टेंगल पार्ट का साइज है 1800 by 1800, दैट इज 1.8 मीटर और 1.8 मीटर डेप्थ ऑफ द फुटिंग आपके ड्राइंग में दी गई है। आप ड्राइंग को रीड आउट करेंगे तो वहां पे D1 D2 दिया गया है। देखिए रेक्टेंगल पार्ट, जो रेक्टेंगल पार्ट होता है ना, ये इसका साइज दिया है इस तरह से D1, और नीचे आपको एक टेबल दी गई है, उस टेबल में आपको कंप्लीटली बताया D1 कितना, 250 mm F1 फुटिंग के केस में, F2 के केस में 200 दिया, आप जाकर ड्राइंग में चेक करेंगे।
इसके बाद हम सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ आइटम मल्टीप्लाई लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट, तो क्या निकलेगा हमारा F1 पुटिंग का रेक्टेंगल पार्ट। अब बात करते हैं ट्रेपेजॉइडल पार्ट की। देखिए ट्रेपेजॉइडल पार्ट मतलब कॉलम की लेंथ पर डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि देखिए अगर मैं टॉप व्यू की बात करूं, ये मेरा ट्रेपेजॉइडल पार्ट है इधर, ये यहां पर है, ये रेक्टेंगल पार्ट है, यहां पे मैंने इसके स्लोप मिला दिए। अब मुझे यहां से लेके यहां तक की लेंथ चाहिए और ये मुझे चाहिए विड्थ, तो कैसे निकालूंगा? तो देखिए इसे निकालने के लिए एक सिंपल तरीका बताता हूं आप लोगों को मैं। यहां पर आपने रख दिया कॉलम, यहां पे आपने क्या रख दिया, इधर कॉलम रख दिया। अब कॉलम रखने के बाद यहां पे आप लोगों को बताया था कि यहां पे यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है वो 100 mm है। फॉर एग्जांपल ये भी आपको 100 mm, ये आपके ड्राइंग में गिवन है, जो मैंने आपको आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर ड्राइंग दी है उसमें क्या है, ये गिवन दिया गया आपको। अब ये 100 mm हो गया। यहां पे कॉलम का साइज मतलब कॉलम की लेंथ और ये 100 और 100 हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, और यहां पे क्या निकल गया, लेंथ निकल गया। कॉलम का साइज 100 इधर 100 इधर, क्या कर दिया हमने, विड्थ फाइंड आउट कर दिया। डेप्थ ऑफ द ट्रेपेजॉइडल पार्ट, कि ट्रेपेजॉइडल पार्ट की डेप्थ आपके कहां दी गई है, फुटिंग में दी गई, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल गया यहां पे F1, जो कि आपको कंप्लीटली कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स के जो वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे, लेक्चर प्रोवाइड करेंगे, इसमें कंप्लीटली ये पार्ट यहां पर सिखाया गया आपको कि किस तरह से निकलते हैं। लेकिन मोस्टली इंजीनियर नहीं जानते हैं इसका वॉल्यूम निकालना, और आप यहां पर जितने भी कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स में ज्वाइन हो चुके हैं वो कंप्लीटली इस वाले पार्ट को इजीली सॉल्व आउट कर देते हैं। उनको एक फॉर्मूला सिखाया गया कि एक्सेल में कैसे पुटअप करते हैं, एक बार पुटअप करना है, कॉपी पेस्ट करते हैं फिर बाद में इसको। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो देखिए फुटिंग का शटरिंग आ गया। देखिए फुटिंग का शटरिंग मतलब बोलते हैं इसको फॉर्मवर्क, कहां लगाते हैं फॉर्मवर्क का, जब भी कैलकुलेशन करते हैं स्क्वायर मीटर में मोड ऑफ मेजरमेंट होता है। अब आप देखेंगे कि यहां पर मैंने एक फॉर्मूला बनवाया था 2 into L+B। जितने भी लोग कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स में जुड़े हुए हैं सब जानते हैं कि 2 into L+B क्यों लिया था, दैट इज अ पेरीमीटर। देखिए यहां से लेके यहां तक हम क्या लगाते हैं, शटरिंग देते हैं, दैट इज कॉल्ड एल। अगर ये एल है तो इसके पीछे अपोजिट साइड वाली क्या है, ये भी L दिया गया है। यदि ये विड्थ है, यदि मैं इसको B कह रहा हूं विड्थ, तो इसके बैक साइड भी क्या हो जाएगा, विड्थ हो जाएगा। दैट इज देखिए दो L है, दैट इज कॉल्ड 2L, दो विड्थ है, दैट इज कॉल्ड 2B। देखिए 2 दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा था, 2 हमने बाहर निकाल दिया। L+B, दैट इज कॉल्ड पेरीमीटर, चारों साइड का सम। जिसको ये फॉर्मूला अभी भी समझ में नहीं आया वो क्या कर सकते हैं, इन सब में वैल्यू एड ऑन करके लिख सकते हैं डायरेक्टली। तो ये होता है चारों साइड का सम करना, दैट इज कॉल्ड पेरीमीटर। स्लोप पार्ट पे किसी भी तरह का फॉर्मवर्क नहीं लगाया जाता है, स्लोप पार्ट जो रहेगा ये हमारे मेसन क्या करते हैं, स्लोप बनाते हैं, बस यहां पर लिया स्लोप यहां पर बना दिया। अब कितने हाइट का बनाए, तो यहां पर क्या कर लेते हैं, कॉलम पर मार्किंग कर लेते हैं। तो कॉलम के मार्किंग कर लेते, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां से हमें 0.15 उठना है, तो कॉलम पर मार्किंग कर ले 0.15 हर चारों तरफ, और यहां पे क्या करेंगे, स्लोप मिला देंगे इसका। यहां पे क्या करते हैं, स्लोप को इजीली मिला देते हैं। इसलिए शटरिंग में जो लिया जाता है वो स्क्वायर मीटर में हम क्या करते हैं, काउंट करते हैं, क्योंकि जो थिकनेस होगी प्लाई की उससे हमें किसी भी तरह का मतलब नहीं है। अब यहां पे डाउट आता है, मोस्टली इंजीनियर ने एक डाउट पूछा है, जितने भी इंजीनियर्स मेरे साथ जुड़े हैं एक डाउट पूछते हैं हमेशा, वो क्या पूछते हैं कि सर यहां पर फुटिंग शटरिंग तो पहले लगेगी, फुटिंग कॉन्क्रीट बाद में होगा। ऑब्वियसली यही होता है, फुटिंग शटरिंग पहले लगती है, फुटिंग कॉन्क्रीट बाद में होता है, क्योंकि शटरिंग जब तक नहीं लगेगी तो कॉन्क्रीट नहीं कर सकते, ऑब्वियसली नहीं कर सकते। लेकिन आपने शटरिंग बाद में कैलकुलेट किया, कॉन्क्रीट पहले कैलकुलेट कर दिया, ऐसा क्यों किया, इसके पीछे रीजन है। इसके पीछे रीजन क्या है आपका, देखिए आपका जब तक, क्योंकि सेंट्रल पब्लिक रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने एक नॉर्म्स दिया है कि फुटिंग का शटरिंग जब निकालते हैं तो कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया कैलकुलेट करते हैं, जब तक आपको फुटिंग का कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया पता नहीं होगा आप शटरिंग फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो शटरिंग इसलिए हम बाद में फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि जितने हाइट में, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पे आपका इधर 0.25 दिया हुआ था, यहां पे आपका 0.25 दिया हुआ था, 0.25, जब तक आप कॉन्क्रीट नहीं निकालोगे तो आपको शटरिंग पता चलेगा क्या, नहीं पता चलेगा। लेकिन एज पर कंस्ट्रक्शन, जब कंस्ट्रक्शन होगा तो पहले आपको क्या करना है, शटरिंग की पहले शटरिंग लगाना है और बाद में कॉन्क्रीट करना है। लेकिन एस्टिमेशन करते टाइम आपको कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया फाइंड आउट करने के लिए पहले कॉन्क्रीट निकालना है, बाद में शटरिंग करना है आपको। तो इसलिए ध्यान रखिएगा ये जो डाउट है यहां पर, कि इसको यहां पर क्लियरिफाई किस तरह से हुआ आप लोगों का। इसके बाद चलते हैं आगे वाले पार्ट में। फुटिंग शटरिंग यहां पर दिखाया है, इजीली चारों साइड लगा हुआ है, आप लोग देख पा रहे हैं चारों साइड यहां पर फुटिंग शटरिंग दिया गया है। नेक्स्ट पार्ट में इसका एस्टिमेशन कैसे सॉल्व आउट करते हैं वो आपको सिखाया गया है, कि फुटिंग शटरिंग का किस तरह से यहां पर मैंने आपको सॉल्व आउट करना है। 2 into L+B, L plus B मतलब ये आपको फुटिंग का साइज दिया हुआ था 1800 1.8 into 1.8, ये साइज दिया हुआ था, लेकिन बीच में प्लस का साइन है। मोस्टली इंजीनियर गलती कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए पेरीमीटर और मल्टीप्लाई कहां गया, चारों साइड का सम, दैट इज जोड़ना, उनको जोड़ो, जोड़ने के लिए क्या करते हैं, एडिशन का साइन, एडिशन का साइन यहां पर इजीली
किडनी लगाया हुआ है, तो 2 into L plus B, ये है L, ये है B, ये है L, ये है B। अगर F2 की बात करूं तो फुटिंग का साइज दिया 1500 by 1500, ये बाय को लिख रहा हूं क्योंकि हम चार दोनों साइड का लेते हैं, लेंथ इनटू विड्थ की बात करते हैं, तो लेंथ ये है, विड्थ ये है, लेकिन यहां पे आपको क्या करना है, एडिशन का साइन लगाना है। 2 into L plus B, L ये है, B ये है, L ये है, B ये है, हो गया। हाइट आपको कॉन्टेक्ट सर्फेस एरिया, अब देखिए कॉन्टेक्ट सर्फेस एरिया मतलब फॉर एग्जाम्पल फुटिंग का जो डेप्थ दिया है आपको रेक्टेंगल पार्ट का, क्योंकि रेक्टेंगल पार्ट में लगाना है हमको, रेक्टेंगल पार्ट की डेप्थ दिया 250 mm और आप लगा रहे हैं शटरिंग 300 mm, 450 mm, 500 mm, आप बिल में लिख रहे हैं मैंने तो 350 लगाया, लेकिन गवर्नमेंट ने साफ कहा है कि कॉन्टेक्ट सर्फेस एरिया का ही हम पे ऑफ करेंगे आपको, आप एक्स्ट्रा ले रहे हैं वो आपकी गलती है। आपको स्टार्टिंग में पता था ईज ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्टर द्वारा अपने लिए किया गया काम, आसानी से किया गया काम वो कॉन्ट्रैक्टर की जेब पर जाएगा। यदि आपने 250 mm दिया है तो 250 mm ही हमको क्या करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, उसका ही हम बिल में क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। तो ये टोटली डिपेंड करेगा हमारे डेप्थ ऑफ द फुटिंग पर। आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट पार्ट है पेडेस्ट्रल कॉलम। देखिए पेडेस्ट्रल कॉलम मतलब ऐसा कॉलम जो हमारा नेचुरल ग्राउंड लेवल तक आ रहा है, उसको पेडेस्ट्रल कॉलम कहते हैं। लेकिन कुछ साइड पे क्या हो जाता है, कुछ हमें आर्किटेक्चर ड्राइंग मिलती है जिसमें क्या हो जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके पास यहां पर एक फुटिंग दी गई है और उसके बाद एक्सकवेशन पिट आपकी यहां तक है, एक्सकवेशन पिट आपकी यहां तक है, इसके बाद ये आपको कॉलम कुछ इस तरह से ज्यादा बड़ा दे देते कॉलम यहां पर, और उसके बाद कॉलम इस तरह से दे दिया ये, तो ये भी आपकी क्या कहलाएगी, पेडेस्टल कॉलम हमारा इस केस में यहां तक कहलाता है पेडेस्टल कॉलम। लेकिन मोस्टली केस में जो पेडेस्टल कॉलम हम लेते हैं वो ये वाला ना लेकर हम क्या करते हैं, हमारी जो ड्रॉइंग में दिया रहेगा जैसे फॉर एग्जाम्पल, तो नेचुरल ग्राउंड लेवल तक जो दिया गया कॉलम है दैट इज कॉल्ड पेडेस्टल कॉलम। अब पेडेस्टल कॉलम में एक दिक्कत थी, यहां पर क्या दिक्कत थी, वो आपको वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि यहां पर लेवल मिसमैच हो रहे थे, वो लेवल मिसमैच के लिए आपको एक्सप्लेन किया गया है आपके जो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स वाले वीडियोस हैं उसमें कंप्लीटली मैंने पेडेस्टल कॉलम में उस वाले पार्ट को यहां पे क्लियरिफाई किया हुआ है। चलते नेक्स्ट पार्ट में और देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है। देखिए यहां पर पेडेस्टल कॉलम आपको दिखाया गया है, ये कंप्लीटली होते हैं कि आपके पेडेस्टल कॉलम की जो नेचुरल ग्राउंड लेवल तक आया दिस कॉलम इज कॉल्ड पेडेस्टल कॉलम, तो ये पेडेस्टल कॉलम यहां पे आपको दिया गया है कंप्लीटली। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। आगे यहां पर 7th नंबर यहां पे पेडेस्टल कॉलम को फाइंड आउट करना सिखाया है। देखिए यहां पर ये अलग-अलग पॉइंट है F1 C1 F2 C1 F2 C2, क्योंकि हमने एक चीज फाइंड आउट की थी कि F1 फुटिंग में यदि कॉलम आएगा तो उसकी हाइट क्या रहेगी और F2 फुटिंग में यदि कॉलम आएगा तो उसकी हाइट क्या लेनी है, क्योंकि दोनों की हाइट में एक एरर था, वो एरर आपको एक्सप्लेनेशन पार्ट वाले वीडियोस में मैंने कंप्लीटली आप लोगों को सिखाया हुआ है। नेक्स्ट पार्ट चलते हैं और नेक्स्ट पार्ट में क्या आएगा हमारा पेडेस्टल कॉलम शटरिंग आएगा। तो देखिए शटरिंग मतलब चारों साइड का सम, देखिए शटरिंग मतलब चारों साइड का सम, तो चारों साइड के सम के लिए क्या करते हैं, जो कॉलम का साइज दिया कॉलम का साइज 250 by 400 दैट इज 0.25 और 0.4। अब इसके बाद यहां पर आप लोग देखेंगे ये जो किया है ये क्या है, वही चीज है जो हमने फुटिंग शटरिंग में लिया था, 2 into L plus B, L क्या है 0.25, विड्थ क्या है अपना 0.4, हाइट हमारी टोटली डिपेंड करेगी F1 और F2 के हाइट के हिसाब से यहां पर हमारी फाइंड आउट हो रही है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं और क्या दिया हुआ है आपको। नेक्स्ट पार्ट में आ गया बैक फिलिंग। देखिए बैक फिलिंग चल रही है मतलब आपने जितना मटेरियल निकाला था अब उसके अंदर आपने सैंड फिलिंग दे दिया, पीसीसी डाल दिया, उसके अंदर फुटिंग डाल दिया अपने कॉन्क्रीट फुटिंग के कॉन्क्रीट और पेडेस्टल कॉलम डाल दिया, शटरिंग डाले तो दो जगह फुटिंग में और पेडेस्टल कॉलम में, उसको तो बाहर निकाल देंगे हम। अब करेंगे हम वापस सॉइल फिलिंग या मुरूम की फिलिंग या यहाँ पर जीरा गिट्टी डाल देते हैं, सैंड फिलिंग कर देते हैं इधर वापस, जिससे क्या होगा पैक हो जाए पूरा का नीचे का जो मटेरियल फाउंडेशन पार्ट वो क्या करना है अब हमें पैक करना है। तो 9 पॉइंट तक यहां पे हमारा कंप्लीट हुआ। देखिए बैक फिलिंग अब देख रहे हैं, बैक फिलिंग इज कैलकुलेटेड इन क्यूबिक मीटर, इन बैक फिलिंग सॉइल इज मोर कॉम्पैक्टेड। अब देखिए यहां पर एक क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन है ये कि जब भी हम बैक फिलिंग करते हैं तो बैक फिलिंग करते टाइम आपने यहां से सॉइल निकाला, सॉइल को क्या कर दिया बाहर निकाल के यहां रख दिया, सॉइल यहां पे बाहर लूज सॉइल यहां पे पड़ा हो गया। अब जो आपने बाहर निकाला है तो आपका जितना ये अंदर था सॉइल भरा हुआ वो बाहर निकालते क्या हो गया, एयर भर गया उसके अंदर, एयर भर गया तो क्या हो गया लूज हो गया, मतलब उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। जब एयर की क्वांटिटी उसके अंदर एंटर्ड कर गई तो अब क्या हो गया उसका वॉल्यूम एक्सपांड हो गया। जैसे बचपन में आप लोग गड्ढा खोदते थे, बचपन में मिट्टी निकालते थे बाहर और वापस उसको बैकफिल करते थे, पूरी मिट्टी नहीं भरी जाती थी, ऊपर कुछ स्लोप बन जाता था कुछ इस तरह से, और पूरी मिट्टी अंदर नहीं भरी गई क्योंकि बाहर से जो मिट्टी निकाली आपने सॉइल निकाला बाहर वो क्या हो गया उसमें लूज हो गई है, वो कई सालों से पैक था उसके ऊपर खुद से कॉम्पैक्ट हो रहा था, इस वजह से वो क्या था हमारा कॉम्पैक्ट था। अब लेकिन आपने क्या कर दिया सॉइल को बाहर निकाल दिया तो उस वो क्या हो गया लूज फॉर्म में हो गया, लूज फॉर्म में उसका 40% तक अप्रोक्सीमेटली 40% तक क्या होता है आपका वॉल्यूम इंक्रीज होता है,
यदि आप ये सॉइल आपने बाहर कहीं नहीं भेजी, मतलब आपने एक्सकवेट करने के बाद बाहर नहीं भेजी, यदि आप इसको ही भरवाते हैं तो आपका सॉइल बहुत सारा बच जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, सॉइल को बाहर बेस्ट मेटेरियल होता है इसलिए बाहर फिकवा देते हैं। क्यों? क्योंकि साइट पर काम करने के लिए जगह चाहिए, अब सॉइल ही रहेंगे तो काम कैसे करेंगे, तो इसलिए क्या करते हैं बाहर भेज देते हैं इसको। अब आपने बाहर से परचेज किया मुरूम, आपने बाहर से परचेज किया मुरूम, मुरूम या सैंड या सॉइल ही आपने परचेज किया बाहर से। आप जब परचेज करेंगे आपने यहां पे क्या फाइंड आउट किया, वॉल्यूम। लेकिन आप जब वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे तो वॉल्यूम आप यदि ला रहे हैं और सीधे भर रहे हैं इसको तो अलग बात है, लेकिन आप इसको कॉम्पैक्ट भी करेंगे तो यहां पर हम नेचुरल कॉम्पैक्शन तो नहीं दे पाएंगे, मतलब 40% एक्स्ट्रा तो नहीं मंगाएंगे। हम क्या करते हैं यहां पे 35% क्या करते हैं एक्स्ट्रा परचेज करते हैं। 35% किसका, वॉल्यूम, जितना हमने फाइंड आउट किया, जितना आना है, मतलब 100 MQ हमने फाइंड आउट किया तो हमें कितना मंगाना पड़ेगा, 135 MQ हमें क्या करना पड़ेगा, ज्यादा परचेज करना पड़ेगा। तो ये कंप्लीटली पार्ट था हमारा बैक फ्लिक था। तो यहां पर हमारा 9 पॉइंट तक यहां पर कंप्लीट हो गया। 9 पॉइंट तक मैंने आपको ये टेबल बनाना सिखाया गया था कि टेबल किस तरह से बनाते हैं, और एक्सेल शीट में भी बनाना सिखाया, मतलब दो जगह आपको ये टेबल बनाना सिखाया गया है। लेकिन 9 पॉइंट के बाद यहाँ पे अब देखेंगे हम वन लाइन ब्रिक वर्क। तो वन लाइन ब्रिक वर्क क्या करता है, हमारे बेस का काम करता है कि बेस किसका बेस, हमारे ग्राउंड बीम का बेस। क्योंकि ग्राउंड बीम यदि डायरेक्टली कॉन्क्रीट वाला पार्ट हमारे सॉइल पर कनेक्ट होगा तो क्या करेगा, सॉइल पर कनेक्ट होगा तो क्या करेगा हमारे पार्ट में, वो मॉइस्चर सॉइल पर कनेक्ट होगा तो क्या करेगा, वो हमारे वाटर सीमेंट रेशियो को इफेक्ट करेगा। वाटर सीमेंट रेशियो किसी भी तरह का इफेक्ट ना हो इसलिए हम एक बैरियर प्रोवाइड करते हैं, दैट इज कॉल्ड वन लाइन ब्रिकवर्क। मोस्टली इंजीनियर का यहाँ पे डाउट आता है कि वन लाइन ब्रिकवर्क भी तो सर आपका वाटर एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन ब्रिक वर्क करते टाइम ब्रिक को पहले ही पानी में इमर्ज कर देते हैं, जिसके कारण किसी भी तरह का ब्रिक हमारा क्या ना करे, वाटर एब्जॉर्ब ना करे, उसके वॉइड्स को पहले ही फिल कर दो किससे, वाटर से। इसलिए जब भी आपने देखा होगा कंस्ट्रक्शन चलती है हमारी, जुड़ाई करवाते हैं हम जब भी ब्रिक वर्क की, तो क्या करते हैं पहले ही पानी में उसको भिगोना पड़ता है, क्यों, वो किसी भी तरह का मोर्टार या कंक्रीट का वाटर एब्जॉर्ब ना करे, इसलिए हम पहले क्या करते हैं उसको फिल कर देते हैं वॉइड्स को। आप लोग देखेंगे यहां पर ये ब्रिक वर्क चल रहा है, वन लाइन ब्रिक वर्क इधर। अब यहां पर देखिए थोड़ा सा चेंजेस कर दिया मैंने, क्या चेंजेस कर दिया यहां पर, अब आपको शीट ना देके, शीट एक्सेल शीट ना देकर, एक्सेल शीट तो आपको वीडियो में मिल ही जाएगी एक्सेल पार्ट में, वो ना देके आपको यहां पर कंसेप्ट सिखाया गया है। ये आज के सेशन का लास्ट पॉइंट है, इसके बाद आपको कंप्लीटली और भी सेशन मिलेंगे जिसमें मैं आगे और भी नोट्स कंप्लीट करूंगा आपको लोगों के लिए। लेकिन आज के सेशन का लास्ट पॉइंट वन लाइन ब्रेकवर्क फॉर ग्राउंड बीम, जिसमें L इंटू बी इंटू एच लेते हैं। L क्या रहेगा आपका, क्लियर स्पान रहेगा। देखिए क्लियर स्पान, देखिए L क्या करा है मैंने, क्लियर स्पान लिया इधर। क्लियर स्पान मतलब समझिए, देखिए ये आपका कॉलम, ये आपका कॉलम, को एक कॉलम के दूसरे कॉलम के बीच का डिस्टेंस जो होता है आपका, ये क्या होता है, क्लियर स्पान होता है। इसे बोलते हैं क्या, क्लियर स्पान, इनर टू इनर डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड क्लियर स्पान। अब बी क्या होगा, बीम का विड्थ, बीम का विड्थ कितना दिया हुआ है। देखिए मोस्टली इंजीनियर्स का डाउट आता है सर जितना बीम का विड्थ, बीम का विड्थ 250 है तो 250 का ब्रेकवर्क कैसे करें। देखिए हम बीच में मोर्टार भी डालते हैं, मोर्टार से कनेक्ट कर सकते हैं इसको, लेकिन हमें जितना बीम का विड्थ, मतलब मान लीजिए 450 mm है, तो हमें ब्रेकवर्क कुछ इसी तरह से करना है कि 450 mm हो जाए कैसे भी, क्योंकि यदि थोड़ा सा भी खाली रह गया, मान लीजिए बीम का मैंने ये बना दिया यहाँ पे बीम का क्रॉस सेक्शन, ये बीम का क्रॉस सेक्शन है, अब ब्रिक वर्क मैं कुछ इस तरह से दे रहा हूं तो यहां का कंक्रीट तो नीचे चला जाएगा, इसलिए मुझे कैसे भी करके ब्रिक, छोटा ब्रिक लगा के जैसे भी करना है, मुझे ब्रिक वर्क पूरा प्रोवाइड करना पड़ेगा बीम के जस्ट नीचे, ठीक है। अब इसके बाद यहां पे आपको कंप्लीटली डिटेल में बताया था, इधर देखेंगे आप लोग नीचे, तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्यूबिक मीटर में होगा 0.1, ये फिक्स डाटा है आपका, क्या हो गया ये फिक्स डाटा। इसके बाद आपका पार्ट आएगा ग्राउंड बीम, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में इस बारे में बात करेंगे। अब दोस्तों यहां पे आ जाता हूं मैं कि किस तरह से आप लोगों ने डाउट पूछे थे, कुछ इंजीनियर्स के यहां पे डाउट थे, तो उन डाउट को क्लियरिफाई करने के लिए हम यहां पर चलते हैं आगे। दोस्तों चलते हैं आप लोगों के जो डाउट्स व्हाट्सएप के द्वारा मुझसे पूछे गए हैं वो डाउट्स को यहाँ पर क्लियरिफाई करने के लिए। सबसे पहले एक नंबर है, इनका नंबर मैं दोहरा रहा हूँ यहाँ पे 9158233483, ये जिनका भी नंबर है उन्होंने एक डाउट पूछा है, एस्टिमेशन में डाउट है व्हाई वी डोंट कंसीडर 100 mm वॉल थिकनेस इन एस्टिमेशन। देखिए 100 mm इनका डाउट है कि जब हम 100 mm की वॉल लेते हैं, जब हम लेंगे 100 mm की वॉल, तो 100 mm की वॉल को विड्थ क्यों नहीं कंसीडर करते, उसको लेंथ इनटू विड्थ हाइट में ही क्यों कंसीडर किया जाता है, ये डाउट पूछा जा रहा है हमारे एक इंजीनियर द्वारा। क्या होता है जब हम एक थिकनेस की बात करते हैं, जो कि एक थिकनेस, एक डायमेंशन, कोई भी डायमेंशन नेग्लिजिबल हो,
मतलब आपकी तीन डायमेंशन है, तीन डायमेंशन में कोई सी भी एक डायमेंशन अगर यदि नेग्लिजिबल है तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं उसको स्क्वायर मीटर में कैलकुलेट करते हैं। अब 100 mm हमारी जो थिकनेस है वो पार्टीशन वॉल कंसिडर की जाती है, मतलब वो क्या कंसिडर की जाए पार्टीशन वॉल। पार्टीशन वॉल में जो सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट द्वारा नॉर्म्स दिए गए हैं वो स्क्वायर मीटर में कैलकुलेट करने के लिए कहा गया, तो इसलिए हम एक डायमेंशन को नेग्लिजिबल मान के वो जो कि विड्थ होती है जो कि फिक्स हो गई है 100 mm, 100 mm से ज्यादा नहीं देंगे, मतलब 4 इंच से ज्यादा नहीं देंगे, तो क्या हो गया फिक्स हो चुका है, इसलिए हम कहेंगे उसको स्क्वायर मीटर में कैलकुलेट करते हैं, इसलिए दो डायमेंशन मल्टीप्लाई करनी है। चलते नेक्स्ट डाउट की ओर कि नेक्स्ट डाउट और कौन से इंजीनियर ने हमसे पूछा है यहां पर। तो नेक्स्ट डाउट है यहां पर, सर एस्टीमेट में मेरा एक डाउट है, जब फाउंडेशन फुटिंग होता है तब पहले सैंड फिलिंग, उसके बाद पीसीसी और स्टेप बाय स्टेप होता है, लेकिन मैंने कुछ साइड में देखा है सैंड फिलिंग के बगैर वन लाइन ब्रिक और सैंड देते हैं और उसके बाद पीसीसी, ये सही है क्या? देखिए ये सही नहीं है, एक्चुअल प्रोसेस क्या है, पहले हमें सैंड फिलिंग देना ही पड़ेगा, सबके अलग अलग रीजन मैंने आपको कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स के जो लेक्चर्स हैं उसमें कंप्लीटली बताया हुआ है कि सैंड फिलिंग देना क्यों जरूरी है, पीसीसी देना क्यों जरूरी है, फुटिंग कॉन्क्रीट देना क्यों जरूरी है, तो उस प्रोसीजर को हमें फॉलो करना है। अब हो क्या रहा है मार्केट में हम वो नहीं जान रहे, क्या होना चाहिए हम उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात देखते हैं यहां पर डाउट, सर आई हैव टू डाउट्स, ये किसी और इंजीनियर का यहां पर डाउट है, सर आई हैव टू डाउट्स, आफ्टर अप्लाई बिटुमिन कोट ऑन डीपीसी, डीपीसी पे जो बिटुमिन कोट अप्लाई करते हैं द सरफेस ऑफ डीपीसी इज स्मूथ, सो इज इट डिफिकल्ट टू मेक बॉन्डिंग विद द ब्रिक वर्क। देखिए पहला डाउट जो उनका बहुत शानदार डाउट है ये कि ब्रिक जब हम बिटुमिन कोट करते हैं तो बिटुमिन, तो दोस्तों बिटुमिन कोट जब हम करते हैं डैम प्रूफ कोर्स करने के बाद बिटुमिन कोट किया तो उसके बाद सैंड का स्प्रिंकल कर देते हैं, सैंड का स्प्रिंकल क्यों, क्योंकि बिटुमिन कोट एकदम स्मूथ होता है, सैंड का स्प्रिंकल इसलिए करते हैं उसको रफ बनाने के लिए कि रफ हो जाए जिसके बाद हम ब्रिकवर्क करेंगे तो बॉन्डिंग करेगा अच्छे से, इसलिए सैंड का स्प्रिंकल करना बहुत ही जरूरी है बिटुमिन कोट करने के बाद। आगे देखते हैं, बाय बिटुमिन कोट डज अप्लाई ऑन डीपीसी इन सुपर स्ट्रक्चर, देखिए डीपीसी में इसलिए डीपीसी जो हम सुपर स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं वो इसलिए नहीं प्रोवाइड कर रहा क्योंकि हो सकता है किसी कारणवश, क्योंकि 100 mm की वॉल भी वहां पर आ रही है, किसी कारणवश वहां पर हमारा स्मूथ रहेगा बिटुमिन कोट इसलिए वहां पर जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए वहां पर हम क्या करते हैं, एक तो पानी कम है उधर जो हम लॉक कर रहे हैं, इसलिए हम यहां पर किसी भी तरह का बिटुमिन कोट प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं कि बॉन्डिंग में किसी भी तरह का फर्क ना पड़े वहां पर। इसका कैन प्रोवाइड रेनफोर्समेंट बार इन सील बैंड, ये ऑब्वियसली सील बैंड में भी हम 2 8-8 mm की सील बैंड में 2 बार जस्ट हम क्या करते हैं प्रोवाइड करते हैं। यदि मैं देखिए फॉर एग्जांपल ये क्रॉस सेक्शन है हमारा सील बैंड का, सील बैंड के क्रॉस सेक्शन में 2 स्टील की बार 8-8 mm की जस्ट हमें प्लेस करना पड़ता है जिससे सील बैंड भी हमारा क्या हो स्मूथ हो, इसलिए हम सील बैंड में प्रोवाइड करते हैं 2 8 mm की बार्स। इसके बाद आता है नेक्स्ट, ये इन इंजीनियर का डाउट है कि छज्जा इंक्लूड क्यों नहीं किया, जितना भी हमारे ड्राइंग में दिया गया है हमने उतना ही इंक्लूड किया, छज्जा ड्राइंग में नहीं दिया तो इंक्लूड नहीं किया, यदि अगर दिया होता तो निकालने की जो दिक्कत क्या है हमको, हमको क्या करना है उसका लेंथ विड्थ हाइट कैलकुलेट करना है क्योंकि कॉन्क्रीट दिया गया, देखिए कॉन्क्रीट से रिलेटेड जो भी आइटम होंगे हम उसको क्यूबिक मीटर में कैलकुलेट करेंगे, आपको छज्जे का लंबाई चौड़ाई और उसका ऊंचाई निकालना है, छज्जा भी हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट उन्हीं का डाउट है इन्हीं इंजीनियर का जो त्रिपुरा से हमारे साथ जुड़े हैं, सर अगर मुझे किसी को प्लानिंग देना है विद एस्टिमेशन क्या मैं फुल एस्टिमेशन शीट क्लाइंट को दूंगा या फाइनल रिजल्ट, और एस्टिमेशन के साथ और क्या रिटर्न देना होगा, मेरे पास एक एस्टिमेशन एक कॉपी है गिवन बाय नगर पंचायत इंजीनियर फॉर शॉप एंड सेंड कर रहा हूं, उन्होंने कुछ मुझे एक शीट शेयर किया है, एक्चुअल में हम बिल ऑफ क्वांटिटी शेयर करते हैं, पूरा जो बिल आया है हमारे निकल के वो हम कंप्लीटली अपने क्लाइंट को प्रोवाइड करते हैं जिसमें वो कंप्लीट ये जान पाए कि कितना क्यूबिक मीटर कॉन्क्रीट लगा है, कितना क्यूबिक मीटर वॉल्यूम हमारा ब्रिकवर्क हुआ है, कितना स्क्वायर मीटर हमारा प्लास्टर करना है हमको, वो हम कंप्लीटली बिल ऑफ क्वांटिटी सबमिट करते हैं अपने क्लाइंट को, साथ में एस्टिमेशन शीट भी हम प्रॉपरली देते ही हैं क्योंकि बैंकिंग जो कोई यदि लोन ले रहा है आपसे तो आपको कंप्लीट देना पड़ता है डिटेल कि किस तरह से आपने एस्टिमेशन कंप्लीट किया है, तो एस्टिमेशन और बिल ऑफ क्वांटिटी साथ में हम जमा करते हैं। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट इंजीनियर का डाउट है, सर ड्यूरिंग प्लास्टरिंग वर्क इफ जैम एंड सोफिट ऑफ द डोर विंडो विल नॉट इन द मिडल पोर्शन फॉर एग्जाम्पल विल बी ऑन वॉल फेस देन व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ डिडक्शन विल अकर, देखिए अगर इसमें किसी भी तरह का नॉर्म्स यहां पर नहीं है, यदि आपका 0.5 meter square से लेकर 3 meter square के बीच में लाया कर रहा है आपका ओपनिंग पार्ट तो आप 50% डिडक्शन करेंगे तब जब आपने वॉल के एक फेस पे 12 mm और दूसरे फेस पे 15 mm का प्लास्टर दिया है, दूसरी कंडीशन आती है 3 meter square से ज्यादा है तब इस कंडीशन में सील जैम सॉफिट का पार्ट आप अलग से कैलकुलेशन करेंगे और डिडक्शन 100% कैलकुलेट होता है, बस इतना ही कंडीशन यहां पे दिया गया है, ये कंडीशन के हिसाब से भी अगर आपने 12 mm 15 mm दिया है और 3 meter square से कम है आपका ओपनिंग पार्ट तो आप 50% ही डिडक्शन करेंगे। दोस्तों ये मैंने आपके लोगों के डाउट लिए जो कि डाउट मुझसे पूछे गए थे यहां पे हमारे व्हाट्सएप के द्वारा, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं फिर से डाउट, नेक्स्ट डाउट सेशन हम मंडे मिलेंगे शाम को 7 बजे आप लोगों के साथ, आप डायरेक्टली एप्लीकेशन सिविल गुरुजी की जो एप्लीकेशन है उस पर जाकर डाउट सेशन देख सकते हैं या www.civilguruji.com पर
जाकर भी डाउट सेशन देख सकते हैं। तो बने रहिए सिविल गुजर के साथ, ऐसे ही और वीडियोस आप लोगों के लाता रहूंगा जिसमें कंप्लीटली आप लोगों के डाउट्स क्लियरिफाई करूंगा। आज हमने कंप्लीटली बात की नोट्स में वन लाइन ब्रेकवर्क फॉर ग्राउंड बीम के बारे में। नेक्स्ट डाउट सेशन में मैं ग्राउंड बीम से आगे के पार्ट यहां पे कंसीडर करूंगा कि कंप्लीट आप लोगों की लर्निंग बढ़ती रहे।